नमस्कार, विश्व पर्यावरण धीरज भाई, वी कैन स्टार्ट। नमस्कार, विश्व पर्यावरण दिन के हार्दिक शुभेच्छाएं। दोस्तों, आज हम ठान ले कि विश्व को हरित बनाना है और उसके लिए फल फलादि और अन्न की सेंद्रिय खेती करेंगे और पोषक तथा सेंद्रिय आहार का प्रचार और प्रसार करेंगे। कृषि रिसर्च इनोवेशन एंड डेवलपमेंट एसोसिएशन, जिसे प्यार और आदर से क्रीडा के नाम से जाना जाता है, उसके निमंत्रण पर पधारे हुए ब्रह्मा कुमारी संस्थान के कृषि और ग्राम विकास विभाग के वैश्विक चेयरपर्सन आदरणीय श्री सरला दीदी जी एवं आरती ड्रग्स लिमिटेड के स्थापक और चेयरमैन एमिरेट्स, सेवा क्षेत्र के भीष्म पितामह के स्वरूप में जो जाने जाते हैं वो श्रीमान श्री चंद्रकांत भाई वल्लभ जी घोगरी, तथा आज के वेबिनार के माननीय वक्ता श्री कुमारपाल शाह महर्षि दर्वे, श्री जिग्नेश पटेल जी का तहे दिल उष्मा सबर स्वागत और अभिवादन करते हैं। दोस्तों, अनेक संस्थाओं ने सहयोग देने के लिए स्वयंभू जुड़े हैं। उन सभी संस्थाओं के कर्णधारों का भी अभिवादन करते हैं। कार्यक्रम का दौर आगे बढ़ाने के लिए क्रीड़ा के सर्वे सर्वा श्री गोविंद जी भाई भानुशाली को गुजारिश करूंगा कि कार्यक्रम का दौर आगे चलाए। श्री गोविंद जी भाई भानुशाली। थैंक यू हमारे अध्यक्ष श्री धीरज भाई गांबिया जी, आप सभी श्रोताओं का अभिवादन दिल से धीरज गांबिया जी ने किया है। हम लोग आज बात जो लेके आए हैं, आज विश्व पर्यावरण दिवस है और विश्व पर्यावरण दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं हम आप सब श्रोताओं को और विश्व को अर्पित करते हैं। दोस्तों, ये विश्व पर्यावरण दिवस एक और दिन न होके कुछ स्पेशल हो जावे, जो भारत को जगत गुरु की जो यात्रा है उसके तरफ आगे ले जावे। इस लक्ष्य के साथ क्रीडा आज आप सबके सामने एक प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रही है, उसका नाम है हरित आंगन और किचन गार्डन। ये हरित आंगन है वो जो हर गांव में, गांव के घर के आगे जो प्रांगण होते हैं, उस प्रांगण में जो हमारा वेस्ट वाटर होता है उसको चैनलाइज करके यहाँ पे ऑर्गेनिक सब्जियां और फ्रूट हम लोग फार्मिंग करें और हमारे परिवार को स्वस्थ खाना दे। जो किचन गार्डन की परिकल्पना क्रीडा ने की है, इस परिकल्पना में हमारी जो सोसाइटी है उसकी बाउंड्री के आगे एक चैनल होती है, वहां पर हमारी जो गैलरी है, हमारे टेरेस है, हमारे विंडो है और कंपाउंड है, जहां पर भी अच्छी जगह मिले वहां पे घर का किचन का जो वेस्ट है उसको हम लोग फर्टिलाइजर करके यूज करें और अच्छे सीड, जो हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि हम लोग 100% ऑर्गेनिक सीड मिले, या तो जो सीड ऑर्गेनिक खेती में आगे बढ़ा सके ऐसे सीड मिले। और क्रीडा चाहती है कि ये जो सीड्स है और सिटी में, छोटे बड़े शहरों में जो संसाधन लगेंगे वो हम लोग एक स्पेशल रेट के ऊपर हर परिवार जो अपने परिवार को स्वस्थ देखना चाहता है वहां तक पहुँचाने का ये कार्यक्रम है। हमारी इच्छा है कि ये कार्यक्रम एक 2 घंटे का वेबिनार न बनते हुए विश्व की एक स्पेशल मूवमेंट बन जाए। इसके लिए हम लोग हर संस्थाओं को हम लोग ने आमंत्रित किया है कि आप क्रीडा के नाम से या क्रीडा के नाम के बिना आप इस कार्य में जुड़ जाए, क्योंकि कोविड हम लोग जानते हैं कि हमारी इम्यूनिटी हमें बढ़ानी है और ये इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हम लोग नेचुरल ऑर्गेनिक फूड की ओर जाना पड़ेगा।
तो क्रीडा ने ये यात्रा घर घर तक पहुंचाने का संकल्प लिया है। कहते हैं दोस्तों, हम लोग आज इतने खुशनसीब है कि ये विश्व कक्षा का जो प्रकल्प है, तो उसको आशीर्वाद देने के लिए हमारे साथ हमारे विशेष मेहमान हमारी सरला दीदी जी, जिनको जिनकी कोई पहचान देने की जरूरत नहीं है, ना तो मुझे चंद्रकांत गोगरी जी की पहचान देने की जरूरत है। इतनी बड़ी हस्तियां इस प्रकल्प को आशीर्वाद देने के लिए आई है। कहते दोस्तों, गांव में गांव गांव में शहर शहर में घर घर में ये प्रकल्प पहुंचाने के लिए हर संस्थाओं को, हर मंडल को, हर व्यक्ति को और हर धार्मिक और आध्यात्मिक संस्थाओं को हम लोग इस प्रकल्प के साथ जुड़ने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। आज हम लोग हमारा जो कार्यक्रम है, वो कार्यक्रम की शुरुआत ये जो हरित आंगन और किचन गार्डन का प्रकल्प है वो विश्व को अर्पित करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे आज के चीफ गेस्ट सरला दीदी जी, चंद्रकांत गोगरी जी, क्रीडा के अध्यक्ष श्री धीरज भाई जी, रीटा जी हमारे साथ है, क्रीडा की पूरी टीम हम लोग के साथ है। और क्योंकि ये कार्य पवित्र है, तो उसका जो शुभारंभ है वो भी पवित्र नाद से होना चाहिए। हम लोग सब मिलके ओमकार का नाद करके और हमारी जो महाप्रतिभा हमारे साथ है उनके सानिध्य में, उनके आशीर्वाद से इस प्रकल्प को विश्व के समक्ष पेश करते हैं। तो मैं हमारे जो भी चीफ गेस्ट है, जो गेस्ट है, उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आइए इस प्रकल्प का हम लोग शुरुआत करें ओमकार के नाद से। शुरुआत, ये हमारे जीवन का एक स्पेशल दिन है क्योंकि आज हम लोग एक विश्व कक्षा के प्रकल्प का उद्घाटन सबने मिलके ओमकार के नाद से किया है। इसे जो पवित्र एनर्जी फैली हुई है उसका हम लोग सब एहसास करें और इस पवित्रता में बढ़ावा करने के लिए हमारे साथ है हमारी दीदी जिन्हें हम लोग प्यार से सरला दीदी कहते हैं। आज की हमारी वो स्पेशल गेस्ट है। सरला दीदी की बात करें तो आप ब्रह्मा कुमारी संस्था, मैं बात करता हूँ ब्रह्मा कुमारी की, कि ब्रह्मा कुमारी संस्था के हर सदस्य से जब हम लोग ओम शांति सुनते हैं तो ओम शांति की जो आवाज गूंजती है और शांति का एहसास हम सबको होने लगता है, इतनी ताकत ओम शांति में है। सरला दीदी ब्रह्मा कुमारी की एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट विंग की अंतर्राष्ट्रीय चेयरपर्सन है। आप 55 साल से स्पिरिचुअल और मेडिटेशन की कोच रही है। आपने अंतरराष्ट्रीय समुदाय को जिस तरह से कोचिंग किए, ट्रेन किया है, उसी ही तरह से आपने फार्मर्स को ट्रेन किया है और सतत करते रहती है। आपका वक्तव्य में जब हम लोग सुनते हैं तो आपकी शालीनता, आवाज की गहराई, आपकी सरलता, आपकी सहजता श्रोताओं को जाने मेडिटेशन के भाव का एहसास कराती है। इतना अच्छा वक्तव्य आपका रहता है। आपने आपने इस प्रकल्प को आशीर्वाद देने की अनुमति दी है, हमारे लिए बड़ी बात है। आइए हम लोग सरला दीदी को इस प्रकल्प के बारे में बात करें। सरला दीदी प्लीज। हाँ, करियो करियो
ओम शांति। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा सारी दुनिया में मनाया जाने वाला एक उत्सव है, जिस दिन पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण संवर्धन, वृक्षारोपण, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की भगिनी संस्था राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के अंतर्गत कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग भी इस दिशा में वर्षों से सराहनीय कार्य करता आ रहा है। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी फरवरी मास में नागपुर में प्रभाग के सदस्यों की एक मीटिंग का आयोजन हुआ, जिसमें अनेक प्रवृत्तियों की चर्चा करते हुए विशेष इस वर्ष में यौगिक ग्रह वाटिका इस प्रोजेक्ट के लिए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया गया। सभी का ये कहना था कि हम गृहिणियों को, जो वर्तमान समय अपने समाज की एक आवश्यकता है, सात्विक पौष्टिक सब्जी प्राप्त करें और घर का वातावरण पर्यावरण भी शुद्ध बने। उस सभी हेतुओं को ध्यान में रखते हुए ये निश्चित किया गया कि 5 जून पर्यावरण दिवस पर यौगिक ग्रह वाटिका में हजारों भाई बहन लाभ लेंगे। जिस प्रकार से रजिस्ट्रेशन काफ़ी भाई बहनों ने कराया है, इस यौगिक ग्रह वाटिका का ये लक्ष्य है कि पर्यावरण को संतुलित और स्वच्छ बनाना। जिस प्रकार से पर्यावरण को स्वच्छ बनाने पर हम विशेष ध्यान देते हैं, तो प्रभाग का लक्ष्य है सबसे पहले मानसिक प्रदूषण को दूर किया जाए, अर्थात व्यक्ति की सोच, विचार, चिंतन सकारात्मक हो। सकारात्मक विचारों से आपसी व्यवहार में शुद्धता आती है, पारिवारिक वातावरण शांत और मंगलमय बनता है। उन सकारात्मक विचारों का प्रभाव जब हम इस यौगिक ग्रह वाटिका का आरंभ करते हैं तो पौधों पर भी पड़ता है। इस बात को तो विज्ञान ने भी सिद्ध किया है कि पौधे हमारी संकल्प शक्ति को ग्रहण करते हैं। जगदीश चंद्र बोस ने कई उदाहरण जिनसे ये स्पष्ट किया कि पौधों पर हमारी भावनाओं का प्रभाव पड़ता है। मैं उसका वर्णन तो नहीं करूंगी, परंतु इतना अवश्य कहूंगी कि जब हम सकारात्मक चिंतन से अपने पौधों को सींचते हैं तो उसमें खुशहाली आती है, उसका ग्रोथ अच्छा रहता है, बढ़ता है। और साथ ही करने वाले के विचारों में, चिंतन में शुद्धता है तो पौधों में हरियाली आती है, व्यक्ति में खुशहाली आती है। इन पौधों के अंदर किसी भी प्रकार का कोई केमिकल्स जिसका प्रयोग नहीं करते हैं, घर में ही बनाया हुआ खाद, चाहे जैविक जीवामृत हो अथवा खाद हो, उसका प्रयोग किया जाता है। उसकी विधि क्या है, किस ढंग से हम इस वाटिका को पल्लवित करें, उसके लिए प्रभाग ने 3 दिन की ट्रेनिंग का आयोजन किया और उस ट्रेनिंग को अटेंड करने वालों से ऐसे महसूस हुआ कि लोगों को इसके प्रति काफ़ी रुचि है। हजारों लोगों ने उसको देखा और सराहा। उसी के आधार पर 5 जून को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज के कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग के द्वारा
इस योगिक ग्रह वाटिका का शुभ आरंभ हजारों परिवारों में किया जा रहा है। और खुशी की बात यह है कि आज हम क्रीडा के उस परिवार के साथ मिल रहे हैं जिन परिवार जनों के अंदर, समाज के अंदर निष्पक्ष निस्वार्थ भाव से सेवा करने की भावना है। क्रीडा का भी ये लक्ष्य है हरित आंगन, टेरेस गार्डन, जिससे सोसाइटीज में भी महिलाएं अच्छी सात्विक पौष्टिक सब्जी का उत्पादन कर सकें, उनका समय भी अच्छी रीति से पास हो सके और घर का वायुमंडल शुद्ध हो। मुझे खुशी है क्योंकि क्रीडा परिवार के साथ मैं बहुत परिचित तो नहीं हूँ, परंतु राजेश भाई दवे और चंद्रेश भाई के द्वारा जो मुझे परिचय प्राप्त हुआ उससे मेरे दिल पर एक छाप अवश्य लगी है कि ये एक समाज में क्रांति लाने वाला विशेष ग्रुप है और सक्षम है, जिसके पास युवा शक्ति है। तो मैं एक आशा नहीं, दृढ़ विश्वास के साथ कहती हूँ, हम और आप भविष्य में भी आपस में मिलकर इस क्षेत्र में नए नए आयाम सिद्ध करते रहेंगे। जहाँ हमको आपकी आवश्यकता है, आप ब्रह्मा कुमारीज को सहयोग देंगे, ब्रह्मा कुमारीज आपको सहयोग देंगे। जैसे कहा जाता है कि एक और एक मिलकर 11 होते हैं, तो ऐसे ही इस समाज को सशक्त बनाने के लिए, इस टेरेस गार्डन के प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए हम दोनों आपस में मिलकर के सुंदर कार्य करते रहेंगे। आज के इस वेबिनार में आपने मुझे याद किया, तो मैं दिल से आप सभी, हमारे अध्यक्ष श्री, अन्य कार्यकर्ता, सभी भाई बहनों को खूब खूब दिल की शुभकामनाएं और मंगल कामना व्यक्त करती हूँ कि हमारा ये हरित आंगन और टेरेस गार्डन का प्रोजेक्ट अवश्य ही सफल होगा, लोगों को प्रेरणाएं मिलेंगी। पुनः मंगल कामनाओं के साथ ओम शांति। गोविंद भाई, यू आर ऑन म्यूट। गोविंद भाई प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। ओम शांति का नाम आपसे सुना, आपके आशीर्वाद प्राप्त करके हम अभिभूत हुए हैं। हमें काफी बल मिला है आपके शब्दों से, आपके आशीर्वाद से, आपकी सोच से। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी जी ने, संस्था ने योगी ग्रह वाटिका का शुरुआत फरवरी में की है। उसके फल भी क्रीडा की टीम को मिलेंगे, क्योंकि 13 और 14 जून को ब्रह्म कुमारी की ये टीम हमारे जो परिवार चाहेंगे कि हमें घर में खड़ी करनी है, उनको ट्रेनिंग देने वाले हैं, जो बिना मूल्य होगी, क्योंकि ये भाव से जुड़ने का समय है। हम लोग खुश नसीब है कि आज के हमारे जो चीफ गेस्ट है श्री चंद्रकांत गोगरी जी, इतने बड़े प्रकल्प को आशीर्वाद देने के लिए महामानवी चाहिए, और सरला दीदी के साथ साथ हमें चंद्रकांत गोगरी जी का सानिध्य प्राप्त हुआ है, तो हमें काफी खुशी है। भाई श्री चंद्रकांत भाई जी की बात करें तो आप जब एजुकेशन ले रहे थे तभी आपका दिन की शुरुआत सुबह 3 बजे होती थी। हार्ड वर्क, दृढ़ संकल्प, 1100 रुपये की नौकरी से लेके जब आपने हजारों युवाओं को रोजगारी दी है और भारत वर्ष को अपने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट के साथ साथ एक्सपोर्ट करके फॉरेन एक्सचेंज प्राप्त करवाया है, अपने रिसर्च और डेवलपमेंट के जरिए देश विदेश के लिए, पूरी दुनिया के लिए अच्छे अच्छे प्रोडक्ट आप लाए हो, ये आपकी उपलब्धियां तो है, मगर हमें जो ज्यादा इंस्पायर करती है कि ये जो धन लाभ आपने प्राप्त किया वो आपने
समाज के लिए उसका यूज इस्तेमाल किया है। जब भी हम आपके कार्यों की बात करें तो आपने इंटरनेशनल एजुकेशन के लिए काफी कुछ बच्चों को सपोर्ट किया है, फिनेंशियली इतना आपने सपोर्ट किया है, कोई भी आपके घर आ सकते हैं हम लोग जानते हैं। मेडिकल कॉलेज के जरिए आपने समाज की व्यवस्था बढ़ाई है। कच्ची आवास योजना हमारे सबके दिलों में वसी है, क्योंकि कितने गरीब लोगों का आशीर्वाद आपने प्राप्त किया है। हेल्थ इनिशिएटिव की बात करें, गर्ल्स को एजुकेशन देने की बात करें, तो कहीं भी अगर सपोर्ट चाहिए, जब भी कुदरती आपदा आती है तो ये कच्छ में हो या देश में हो या इंडोनेशिया में हो, आपका सपोर्ट वहां पे मिलता है। कोविड के लिए आप जो कर रहे हैं चंद्रकांत जी, उसको इतिहास याद रखेगा। आपके इस कार्यों से हम लोग सतत इंस्पायर होते रहते हैं। हम जो कार्यकर्ता हैं आपकी तरफ देखते रहते हैं कि हमारे चंद्रकांत जी क्या कर रहे हैं। आप हमारे लिए आदर्श मूर्ति है। लोग आपके नाम से, आपके काम से और काम करने के तरीके से हमेशा इंस्पायर होते रहते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा श्री चंद्रकांत जी को कि आइए इस प्रकल्प को आपका आशीर्वाद दीजिए। चंद्रकांत जी। विश्व पर्यावरण दिवस आज के दिन आप सबको शुभकामना देता हूं, लेकिन हमारे आरती ग्रुप डेली पर्यावरण में मानती है, यानी हर रोज पर्यावरण होना मिलता एक दिन नहीं, और आपने हमारे बारे में जो बोला है उससे ज्यादा। मैं 35 साल से कच्छ में विवेकानंद रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ा हूँ, और हमने कच्छ में काफी चेक डैम और वाटर कंजर्वेशन के काम किए हैं। वाटर कंजर्वेशन के ऊपर हम बहुत ही काम कर रहे हैं। अगर विश्व युद्ध होएगा तो वाटर के लिए होएगा, ऐसा काफी लोग ने बोला है। तो पानी बचाने के लिए हम बहुत काम करते हैं। मराठवाड़ा में भी अकाल न हुए उसके लिए हर साल में एक हिताची मशीन एनजीओ लोग को देता हूँ। उसकी वजह से काफी कैनल्स बनती है, कैनल्स के साइड में हम रिप्लांटेशन कर रहे हैं, और जहाँ जहाँ भी हमने चेक डैम बनाए हैं उधर भी ट्री प्लांटेशन करते हैं। हम किचन गार्डन से एक स्टेप आगे, हमारे गांव में लास्ट 15 साल से अंडरग्राउंड गटर योजना बनाए पूरे गांव में, और वो पानी पूरा एक खेत में लेके गए और वहां खेत में सब्जी पकाई जाती है, गोबर अपना गांव के लिए चारा भी पकाया जाता है, और वो हिसाब से हर रोज जितना भी पानी निकलता है जरा भी पानी का वेस्ट नहीं होता है। गांव में बीमारी नहीं फैलती है क्योंकि पूरा पानी अंडरग्राउंड से जाके एक खेत में जाता है, वहां से एकदम टॉयलेट का पूरा पानी से बहुत ऑर्गेनिक सब्जी फूट रहा है, अपना डेट भी बना रहे, डेट भी बनती है कारे, और चारा भी बनाते हैं, और वो जो जो फैमिली काम करते हैं उनके पास अभी 15 साल में कम से कम 35 गाय और भैंस की हो गई है। तो उसे एक वेस्टेज नहीं होता है, एक चीज है, और गांव में गंदगी नहीं रहती है। हमारा गांव को स्वच्छ गांव का पारिश्रमिक भी मिला है, तो वो हिसाब से हम लोग ऐसा सोचते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस नहीं लेकिन डेली आपको पर्यावरण के लिए मानना मुझे, हमको पानी की बचत करनी चाहिए, ग्रीन जितना भी ट्री प्लांटेशन करना हो होना चाहिए वो भी करना चाहिए, और झाड़ जितना भी कम, पेड़ जितना कम काटे तो ही कार्बन डाइऑक्साइड कम होएगा, ग्रीन गैस इफेक्ट कम होगी। तो ये हिसाब से एक किचन गार्डन इज अ वन वेरी एवरीबॉडी कैन डू इन देयर ओन गार्डन, बट इन लार्ज स्केल वी शुड सी दैट ये प्रोजेक्ट वाटर कंजर्वेशन एंड ट्री प्लांटेशन शुड बी पार्ट एंड पार्सल ऑफ अवर लाइफ, एंड दैट वे ओनली वी कैन सेव दिस मदर अर्थ। तो आप ये हरित गार्डन और हरित आंगन का जो प्रकल्प किया बहुत अच्छा है, लेकिन उसके भी आगे जाके
पूरे विश्व में ज्यादा से ज्यादा ट्री प्लांटेशन और ज्यादा से ज्यादा अपना डेली लाइफ में पानी कैसे बचावे और ट्री प्लांटेशन कैसे करे वो भी थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। मुझे आपने जिस केस बनाया उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ और मेरे लायक कुछ भी काम लगेगा तो मैं जरूर आपको हेल्प करूंगा। थैंक यू। चंद्रकांत जी आपको सुनना तो विकास की बातें हम लोग हमेशा सुनते रहते हैं और आपने जो बताया तो चंद्रकांत जी हम लोग ने खास प्रकल्प के ऊपर एक काम कर रहे हैं। एक ही मिनट में मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग गांवों के जो खेडूत है छेदकरी है उनको स्पेशल ट्रेनिंग दिलाना चाहते हैं और जो इंटीग्रेटेड फार्मिंग का जो कंसेप्ट है ड्रिप इरीगेशन का कंसेप्ट है ये सब मिला के उनकी आय है 1 acre में करीबन 180,000 रुपया होनी चाहिए कच्छ में। हम लोग ने काफी लोगों को प्रेरित भी किया है उनको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करेंगे वहाँ पे वाटर कंजर्वेशन भी होगा। आपका आशीर्वाद हमारे इस कार्य को लिए मिला तो हम लोग दिल से आपकी तरफ हमारा भाव व्यक्त करते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा मीरा जी को कि आप अपना जो हमारे गेस्ट है उनको इंट्रोडक्शन करने का कार्य आगे बढ़ाए। मीरा जी मीरा जी धन्यवाद गोविंद जी भाई और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे आज के दोनों मुख्य मेहमान और उनके अभिवचन आशीर्वचन जो हमें मिले वो हमारे लिए सर आंखों पर हैं। इसी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए समाज के हर कोने से मेरे प्यारे पर्यावरण दोस्तों आप सभी को मीरा महेंद्र का नमस्कार। जैसे कि दीदी ने बताया सकारात्मक विचारों से हम आगे बढ़ें और ऑर्गेनिक तरीकों से खाना रखें तो इसी के लिए हमने ये जो प्रकल्प शुरू किया है। चंद्रकांत जी आपने सही कहा कि पानी का सदुपयोग रखना ये हमारा मुख्य लक्ष्य रहेगा तो हम किचन गार्डन की तरफ हमारा घर का पानी डाइवर्ट करेंगे। पर्यावरण के इस महा महत्वपूर्ण महादिवस के दिन हम सब जुड़े हैं एक नई शुरुआत पे ग्रो एट होम हरित आंगन किचन गार्डन में। हमें सही राह पे चलने के लिए हमारे साथ हैं त्रिमूर्ति के रूप में 3 कुशल युवा प्रायोजक। आज के हमारे सबसे पहले बहुत ही यंग एंटरप्रेन्योर जिनका शिक्षण इंजीनियरिंग में है पर ये कुशल हमारे आज के पहले स्पीकर हैं। बहुत ही कुशल युवक प्रायोजक जिन्होंने खेती और फसल में रुचि रखते हैं और उसी को अपना जीवन लक्ष्य बना के उन्होंने फार्म ब्रिज द्वारा अपना कंपनी सेटअप किया है। आज के हमारे ये पहले स्पीकर जो हैं महर्षि दवे जी जो अपने अनुभव और कार्य खरीदी हमारे साथ ना केवल आज पर आगे भी क्रीड़ा के साथ जुड़े रहेंगे और हमारे ट्रेनिंग्स में रहेंगे। आज के हमारे दूसरे जो हमारे वक्ता हैं हमारे साथ हैं गुजरात गवर्नमेंट के हॉर्टिकल्चर ऑफिसर गार्डन डिपार्टमेंट से जिग्नेश जी पटेल। जिग्नेश जी इनका स्पेशल सेल है गुजरात गवर्नमेंट का जो है किचन गार्डन घर घर में आंगन खेती ये इनका मुख्य मुद्दा है। सिटी स्टाइल में हम कहते हैं किचन गार्डन। जिग्नेश जी भी हमारे साथ सारी ट्रेनिंग के लिए तत्पर रहेंगे और हमें बंबई जैसे शहरों की हरित बनाए रखने के लिए जो ना ही बाहर पर अपने दिल से बहुत इनको लगाव है कि मेरे आसपास का वातावरण किस तरह से हरित रखें और ये जो इनके दिल की बात है ना ये दिल के बाद दिल में ही नहीं रखते लेकिन उनका व्यवसाय भी उसी में जोड़ दिया है और उसके लिए हमारे साथ हैं आज के हमारे तीसरे स्पीकर कुमारपाल शाह जी जिन्होंने जिनका जो व्यवसाय है
वो भी पूरा इसी में रचित हैं। और ये तीनों स्पीकर आज हमें अलग अलग जो पहलू होते हैं गार्डनिंग के, जो हम कह रहे हैं कि हम किचन गार्डन एक छोटे से 10 गमलों से शुरू कर सकती हूँ मैं अपनी किचन में, खिड़की में या फिर मेरी बालकनी में, एंड या फिर मेरे कंपाउंड में, बिल्डिंग के कंपाउंड में, या फिर अगर मैं गांव में रहती हूँ या बंगलों में रहती हूँ तो मेरे जो कंपाउंड है, टेरेस है, जहां जगह मिले वहां पे मैं किस तरह से ये मेरा जो खाना है। और ये हमें सुझाव कब से आया भाई, चल अकेला ऐसे शुरू किया जो 22 मार्च को हमें, आज हम अपने घरों में हैं, तब ये हमें अनुभव हुआ कि हम जब घरों में हैं तो जो रोजमर्रा की चीजें हैं, धनिया है या फुदीना है या मिर्च है या कड़ी पत्ता है, मैं क्यों किसी और पे निर्भर हूँ बाहर जाके लेने के लिए, तो क्यों ना मैं ये मेरे घर में ही करूँ। और इसी प्रकल्प को आगे लेते हुए क्रीड़ा ने ये बेड़ा उठाया है और हम सारी टीम और ये हमारे हर एक स्पीकर और चीफ गेस्ट हमारे साथ, आप सबके साथ, हम सब एक रह के हम अपने देश को ही नहीं पर पूरी दुनिया को एक अलग दौर पे ले जाना चाह रहे हैं। और तो ये शुरुआत हम कहाँ करेंगे, तो अपने ही घर आंगन से। तो आइए मैं यहाँ आमंत्रण करती हूँ हमारे पहले स्पीकर को, महर्षि जी दवे। महर्षि जी दवे, प्लीज टेक ओवर। थैंक यू वेरी मच मीराबेन। सो उन्होंने तो मीराबेन ने बहुत ही अच्छा इंट्रोडक्शन दिया, बट इसमें जस्ट मैं आधे मिनट का ये ऐड करना चाहूंगा कि हमने CSR के माध्यम से, जो मेरी कंपनी है, हमने हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में, स्पेशली तेलंगाना में, हमने 400 प्लस ग्रामीण बहनें को एक किचन गार्डन की तालीम दी थी। और आज की तारीख में वो बहुत ही अच्छा अलग अलग क्रॉप्स, अलग अलग भाजियाँ एक छोटे से एरिया में उगाती है और बहुत ही अच्छा कर रही है। और साथ साथ में हमने खुद के भी, मैंने और मेरे वाइफ ने, हमने हमारे जीवन में भी ये फ्रेश ग्रोइंग किचन गार्डन का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो अडॉप्ट किया है। और उसी की एक जर्नी में और उसी की एक झलक में अभी आपको दिखाना चाहूंगा। सो प्लीज विवेक भाई, कैन वी हैव द प्रेजेंटेशन? जी। सो जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, जो भी इमेजेस टाइटल स्लाइड में, वो सारे हमारे ही किचन गार्डन की है। कोई भी इंडिविजुअल हो या कोई भी परिवार चलाने वाले, वो हमेशा चाहेंगे कि वो अपने परिवार के लिए बहुत ही फ्रेश और बहुत ही बिना कोई रासायनिक और बिना कोई पेस्टिसाइड की सब्जी दे। पर आज के दौर में इसका जो है वो नीड ऑफ आवर बहुत ही ज्यादा, इसका महत्व बढ़ जाता है। क्यों? कैन वी हैव द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज? सो डू इट बाय योरसेल्फ, किचन गार्डन इज द नीड ऑफ द आवर। क्यों? बिकॉज ऑफ COVID-19 पेंडेमिक। क्योंकि हमें ये पता है कि ये जो पेंडेमिक है वो काफी समय तक हमारे साथ ही रहने वाला है, तो हमें हमारी इम्यूनिटी पे बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें हमारी इम्यूनिटी को जो बूस्ट करता है, बहुत सारे न्यूट्रिशन है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, मिनरल्स है, पर हमारी इम्यूनिटी को जो बूस्ट करता है वो है विटामिन्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और एंटीऑक्सीडेंट्स, और वो हमें सिर्फ सब्जियों से मिलते हैं, और कोई हमारे पास स्रोत नहीं है। तो कैन वी हैव द नेक्स्ट स्लाइड? क्यों ना हम एक संकल्प करें कि, जैसे मेरी वाइफ कहते हैं कि टाइम टू गेट आवर हैंड्स डर्टी एंड माइंड हैप्पी। क्योंकि हम हमारे परिवार के लिए बहुत सारे, हम हमारे पेरेंट्स जो है या हमारी ओल्डर जनरेशन है, हमारी जनरेशन, हम चाहते हैं कि हमारे परिवार के लिए बहुत अच्छी लेगेसी छोड़ के जाए, फाइनेंशियली एज वेल एज कल्चरली। बट हम ये भी चाहेंगे कि उनको एक हेल्थ में भी एक बहुत अच्छी लेगेसी छोड़ के जाए, उनकी एक ऐसी लाइफ स्टाइल करे कि वो खुद का जो खाना है वो खुद उगाए, और जैसा अन्न होगा वैसा मन होगा और वैसा ही शरीर होगा। सो टाइम टू गेट आवर हैंड्स डर्टी एंड माइंड हैप्पी। सो एक ये बहुत ही खूबसूरत जर्नी पे चलिए चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो बेसिक रिक्वायरमेंट्स, जो हमारा जो एक्सपीरियंस था उसमें जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स थी होम गार्डन के लिए, किचन गार्डन के लिए, सबसे पहला है आपको एक एडिक्वेट स्पेस चाहिए जहां पे धूप गिरती हो, कम से कम 3 से 3.5 घंटे की धूप गिरती हो, दैट इज वेरी मच नेसेसरी। बिकॉज सनलाइट जो है वही प्लांट का जो है वो फोटोसिंथेसिस करती है और वो अपना खाना बनाते हैं। सेकेंड इज द ग्रोइंग मीडियम, मिक्सचर ऑफ कोकोपीट एंड सॉइल। हमने ये एक्सपीरियंस किया कि कोकोपीट इज अ वेरी गुड मीडियम जहाँ पे वो वाटर और न्यूट्रिशन जो है बहुत ही अच्छे से कंजर्व होता है, मॉइस्चर कंजर्व रहता है, पर साथ में सॉइल भी इक्वली जरूरत है, क्योंकि रूट्स जो है वो कोकोपीट को, प्लांट के रूट्स जो है कोकोपीट को नहीं इतना पकड़ते, सॉइल से वो मजबूती से पकड़ते हैं।
थर्ड इज द आइदर पॉट्स है, ग्रो बैग्स है, जहाँ पे आप जो है सैपलिंग लगा सकते हैं और वहां पे आप ग्रो कर सकते हैं. एंड फोर्थ इज द उसका जो न्यूट्रिशन है या कंपोस्ट है या जो भी आप देते हैं प्लांट्स को, ये चार चीज जो है वो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है कोई भी किचन गार्डन की. जी नेक्स्ट स्लाइड. सो अब हमारे जो व्यूअर्स है, व्यूअर्स को हमने टोटल तीन हिस्सों में बांटा हुआ है. पहला हिस्सा है ऐसे व्यूअर्स जिनके पास बहुत एडिक्वेट स्पेस है, स्पेशली हमारे रूरल व्यूअर्स जो है जिनके पास कम से कम 500 स्क्वायर फीट या उससे ज्यादा है. जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये हमारे रामागुंडम तेलंगाना की एक बहन है जिन्होंने अपने बैकयार्ड में बहुत ही अच्छा किचन गार्डन किया है. सो एक हमारे जिसको हमारा प्रोजेक्ट है हरित आंगन, तो वो हमारे व्यूअर्स एक कैटेगरी में आ जाते हैं. नेक्स्ट कैटेगरी में, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, नेक्स्ट कैटेगरी में ऐसे आ जाता है जो आप देख सकते हैं हमारा किचन गार्डन है जो फोटोग्राफ्स है, वो टेरेस गार्डन और हमारा जो वेरेंडा में जो गार्डन है उसके फोटोग्राफ्स है. सो ये ऐसे ओनर्स है जिनके पास खुद का बंगलो है या टेनामेंट है और उनके पास एडिक्वेट स्पेस है बाहर, घर के बाहर जो वो कर सकते हैं. सो दिस इज आर टेरेस गार्डन या वेरेंडा गार्डन इज आर सेकेंड कैटेगरी ऑफ आवर ऑडियंस. थर्ड कैटेगरी विल बी, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, थर्ड कैटेगरी जो लोग स्पेशली अपार्टमेंट्स में रहते हैं, फ्लैट्स में रहते हैं, जहां पे थोड़ा सा स्पेस कंस्ट्रेंट है, सो वो इधर अपनी बालकनी में कर सकते हैं या तो जो खिड़की पे जो बॉक्स ग्रिल है वहां पे कर सकते हैं. कुछ मेरे जो रिलेटिव्स हैं मुंबई में, वो लोग जिस खिड़की से सनलाइट घर के अंदर आती है वहां पे भी पौधे रखते हैं, जहाँ पे ग्रिल की भी व्यवस्था नहीं है फिर भी वो पौधे वहां पे रखते हैं जहाँ खिड़की से 3-4 घंटे तक सनलाइट अंदर आती हो. सो दिस इज ऑल्सो वेरी गुड ऑप्शन. सो दिस आर आर तीन बेसिक जो हमारे ऑडियंसेस है और हम अभी जो बात करेंगे वो तीनों ऑडियंस को एड्रेस करते हुए करेंगे. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, कैन वी हैव द नेक्स्ट स्लाइड. नेक्स्ट स्लाइड था. So, अब हम बात करेंगे कि नो प्रॉब्लम. तो अभी हम मैं हमारे जो ऑडियंस उनसे बात करूंगा कि हमारे पास कौन से ऑप्शंस है जो हम हमारे स्पेस कंस्ट्रेंट्स या स्पेस एडवांटेजेस को लेके हमारे पास कौन से ऑप्शंस है जो हम कर सकते हैं और उनसे हम कौन से न्यूट्रिशन नीड को हमारी बॉडी को एड्रेस कर पाएंगे. सो द फर्स्ट ऑप्शन जो अभी नेक्स्ट स्लाइड में आएगा, द फर्स्ट ऑप्शन इट इज अ वेरी बहुत ही ईजी ऑप्शन है और बिगिनर्स के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है, दैट इज ग्रीन लीफी वेजिटेबल. क्योंकि उसके दो मेन फायदे हैं. फर्स्ट फायदा यह है कि वो बहुत ही फ्रिक्वेंटली जर्मिनेट हो जाते हैं और बहुत ही फ्रिक्वेंटली वो बड़े भी हो जाते हैं, तेजी से बड़े होते हैं और आप उसको हर रोज उसको कट करके अपने जो कुकिंग है उसमें हम यूज कर पाएंगे. यस, सो स्टार्ट विद यस द ग्रीन लीफी वेजिटेबल जो मैं कह रहा था. अब ग्रीन लीफी वेजिटेबल का दूसरा एक भी ये फायदा है कि अगर आपको इस पूरे सेमिनार के बाद अगर बहुत ही अच्छा मन हो जाए कि आपको करना है किचन गार्डन, तो उसके जो सीड्स है वो आपके पास ही मौजूद होंगे. कोरिएंडर है, मेथी है, ये सारे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, सुआ है, ये सबके सीड्स जो है आपके किचन में ऑलरेडी मौजूद है. तो आप एक छोटी सी ट्रे लेके अब जो आउटडोर्स भी आप लगा सकते हैं, जैसे हमने बाहर स्पेशली ट्रेज में और बाहर प्लांटेशन हमने किया है जिसका हरित आंगन है, वो तो डेफिनेटली बाहर कर सकते हैं. पर जो अपार्टमेंट में जो रहते हैं, कम से कम 4-5 इंच डेप्थ वाली ट्रे हो, उसमें भी आप कोई भी एक मीडियम बिछा के आराम से सीड सोइंग करके उसको वाटर करके सनलाइट उसको 3 घंटे मिले उस पर्टिकुलर ट्रे को, तो बहुत ही फास्ट और बहुत ही अच्छा ये एक आपके पास ऑप्शन है फॉर ग्रोइंग. सो ग्रीन लीफी वेजिटेबल विच हैज कोरिएंडर है, स्पिनच है, मेथी है, बहुत सारी दूसरी भाजीज है जिससे आपको बहुत सारे विटामिन, आयरन और कैल्शियम मिलेंगे. सो द बेस्ट एडवांटेज ये है कि बहुत ही फास्ट ग्रोइंग है, आपको फ्रीक्वेंटली उसका हार्वेस्ट मिलेगा एंड सारे उसके सीड्स के ऑप्शंस आपके किचन में ही अवेलेबल है, आपको बाहर स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सो दिस इज अ वेरी वन गुड ऑप्शन फॉर ऑल द थ्री कैटेगरीज. सेकंड स्लाइड प्लीज. द सेकंड विल बी द क्रीपर वेजिटेबल. अब क्रीपर वेजिटेबल थोड़ा डाइसी है अपार्टमेंट में जो लोग रहते हैं उनके लिए, बट स्टिल अगर वो अपना स्पेस अच्छे से मैनेज करे तो वो कर सकते हैं. ये सारे प्लांट्स जो लिस्ट मैंने दिखाई है वो सब हमने ट्राई किए हमारे किचन गार्डन में. खास करके रिच गोर्ड और स्पॉन गोर्ड एक ऐसी वैरायटी है जो बहुत ही अच्छी है, स्टर्डी है और बाहरी एनवायरनमेंट को अच्छे से झेल के बहुत ही अच्छा प्रोडक्शन हमें देती है, जिसको हम गुजरात में तुरिया या गलका, तुरिया और गलका कहते हैं. साथ में करेला है, टिंडोरा एक ऐसी जो आप जो पिक देख रहे हैं दैट इज ऑफ टिंडोरा,
अब वहां पे टिंडोरा लगे हुए दिख रहे होंगे आईवी गॉर्ड, एंड दैट इज वो हम उसके हर चार दिन में मिनिमम 250 टू 300 ग्राम टिंडोरा हम तोड़ते हैं विद जस्ट थ्री प्लांट्स. हमने ऐसा पूरा स्ट्रक्चर बनाया है और हम बहुत ही ये फैसिनेटिंग क्रॉप है. वाटरमेलन है, मस्कमेलन है, दे आर फ्रूट्स बट अगेन दे आर क्रीपर्स. तो आप जो है जिनकी बाहर स्पेशली जो हरित आंगना है और टेरेस गार्डन जिनके पास करने की पोटेंशियल है उनके लिए सारे क्रीपर वेजिटेबल्स और क्रीपर क्रॉप्स बहुत ही अच्छे हैं. ये घर के अंदर अपार्टमेंट में भी बॉक्स में भी बॉक्स ग्रिल में भी मैनेज हो सकते हैं, बालकनी में मैनेज हो सकते हैं. बस थोड़ा उसको मैनेज करने का थोड़ा स्किल चाहिए. वो आपको आप जब यूट्यूब में देखेंगे अलग अलग जगह से नॉलेज लेंगे तो आपको वो मिल जाएगा. बट ये है कि जो लाइट क्रीपर्स है उसके लिए आपको एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा उस क्रीपर्स को ऊपर चढ़ाने के लिए. नेक्स्ट स्लाइड. देयर वाज वन मोर कैटेगरी जिसको हमने बहुत ही जोर दिया, दैट वाज मेडिसिनल प्लांट्स. बिकॉज अगेन अब कोविड-19 वाले सिचुएशन में हमें हमारी इम्यूनिटी को जो है एड्रेस करना है. सो व्हेन यू सी ऑल द फोर प्लांट्स वो हम हमारे किचन गार्डन में होते हैं. तुलसी है, कड़ी पत्ता है, अजवाइन है, एलोवेरा है, गलती से आईवी गॉर्ड बाजू में लिख दिया है बट इट्स एलोवेरा, और ग्रीन टी. सो सुबह ये सारे फ्रेश लीव्स तोड़ के जब हम उसका बॉयल करके उसका अर्क करके हम पीते हैं सो इट गिव्स वंडरफुल एंटीऑक्सीडेंट रिच होता है, मेडिसिनल वैल्यूज हाई होती है और बहुत ही इजी टू ग्रो है. मेरे ख्याल से तुलसी और कड़ी पत्ता तो ऐसे होंगे जो आप में से काफी सारे लोग अपने घर में वो करते ही होंगे, एंड एलोवेरा भी मेरे ख्याल से काफी सारे घरों में होता होगा. सो दिस आर मेडिसिनल प्लांट्स जिसमें आप अगेन अब ट्राई कर सकते हैं इस चीज को. नेक्स्ट स्लाइड. अब दिस इज अ वेरी न्यू टॉपिक फॉर एवरीबडी. अभी ये बहुत ही अच्छे से लोग इसको इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं, उसका फायदा भी उठा रहे हैं. हमने भी इसका इसका कल्टीवेशन किया और हमको ये बहुत ही अच्छी चीज लगी है, दैट इज माइक्रोग्रीन्स. सो माइक्रोग्रीन्स जैसे वो डेफिनेशन में बता रहे हैं कि वो बेबी प्लांट्स जो स्प्राउट होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम अगर मूंग रखते हैं हमारे घर में तो मूंग में आप अगर उसको पानी में भिगो के दूसरे दिन रखेंगे तो जर्मिनेट हो जाएंगे छोटे छोटे, जिसको हम स्प्राउट्स कहते हैं. तो ये माइक्रोग्रीन्स जो होते हैं वो स्प्राउट्स और बेबी प्लांट का जो बीच का जो स्टेज है दैट इज नोन एज माइक्रोग्रीन्स. तो आप कोई भी जैसे आप फर्स्ट पिक जो देख रहे हैं जो टॉप वाले पिक है दैट इज ऑफ आवर किचन गार्डन. वो हमने वाल जो रंगूनी वाल कहते हैं उसका हमने स्विंग किया था, उसके माइक्रोग्रीन को एग्जैक्ट इसी साइज पे हमने उसका हार्वेस्ट किया और हमने आइदर उसकी सब्जी बनाई या सैलेड में हमने उसको लिया. तो वैसे ही आप कोई भी पर्टिकुलर सीड है, चाहे वो जैसे मैंने लिस्ट किया है चिया सीड्स है, मस्टर सीड्स है, वीट है, जुआर है, बाजरी है, तिल है, किसी का भी आप जो है जर्मिनेशन करके उसका आप माइक्रोग्रीन इकट्ठा कर सकते हैं. जैसे नीचे का जो फोटो है दैट इज प्लास्टिक ट्रेज में किया है, वो अपार्टमेंट्स के लिए इंडोर माइक्रोग्रीन का वो फोटोग्राफ है, वो मैंने इसलिए रखा है ताकि आपको आइडिया है. बट दे आर वेरी मच हाई इन न्यूट्रिशन, दे आर वेरी मच हाई इन एंटी ऑक्सीडेंट्स और दिस रियली चार्जेस अप योर डाइजेस्टिव सिस्टम जो हमने एक्सपीरियंस किया है, एंड दिस इज नॉट टू बी मिस्ड आउट. ये आपको डेफिनेटली सबको ट्राई करना चाहिए माइक्रोग्रीन्स. नेक्स्ट. अब हम आते हैं मेजर वेजिटेबल्स में. मेजर वेजिटेबल्स जो पहली तीन मैंने कैटेगरीज जो दिखाई, जो पहली चार कैटेगरीज, वो एक्चुअली वो सीजनल बेसिस पे नहीं होते. अगर आप अपार्टमेंट में रह रहे हैं, आप कहीं पे भी हरित आंगन है या आपका टेरेस गार्डन है, आप कभी भी उसको लगाएंगे वो आपको जर्मिनेशन देंगे और प्रोडक्शन देंगे. बट अगेन अब अगर हम मेजर वेजिटेबल्स में आते हैं तो हर एक वेजिटेबल का जो है वो एक पर्टिकुलर टाइम होता है, उसका सोइंग का पर्टिकुलर टाइम होता है, उसका जर्मिनेशन का और प्रोडक्शन का एक पर्टिकुलर टाइम होता है. अगर हम वो अगर विंडो मिस कर देंगे तो हमें वो डिजायर्ड प्रोडक्शन जो है वो नहीं मिलेगा. सो मेजर वेजिटेबल्स अगेन टोमेटो है, ग्रीन चिली है, ब्रिंजल है, बीटरूट है, भिंडी है. ये कौन से टाइम पे उसको लगाना है, कैसे लगाना है, वो आपको फर्दर ट्रेनिंग में आपको ज्यादा ओरियंट किया जाएगा. बट जिनका टेरेस गार्डन है और जिनका हरित आंगना है उनको बहुत ही ईजी रहेगा ये सारी चीजों को लगाने के लिए. जैसे ये हमारा किचन गार्डन है, आप टोमेटो देख रहे हैं, उसके बाजू में बीट रूट है, ये सब हमने लगाया था एंड बहुत ही अच्छा टेस्ट, बहुत ही अच्छा फाइबर, बहुत ही अच्छा हमें न्यूट्रिशन ज्यादा लगा है इन सब प्लांट्स में. नेक्स्ट. तो फाइनल कैटेगरी जो हमने इसमें डिवाइस करी है दैट इज ऑफ मेजर फ्रूट्स. बट वन स्लाइड बैक. यस. सो फाइनल कैटेगरी जो है वो मेजर फ्रूट्स की है. ये अगेन हमारे ही गार्डन है बट हमारे पास वो लग्जरी है कि हम ऐसे डीप रूट वाले फ्रूट्स जो लॉन्ग टर्म हॉर्टिकल्चर क्रॉप है या शॉर्ट टर्म हॉर्टिकल्चर क्रॉप है वो हम लगा सकते हैं. दैट इज पपाया. एक इमेज में आप पपाया देख रहे हैं, एक इमेज में आप पोमग्रेनेट देख रहे हैं. उसके अलावा लेमन भी लगा सकते हैं, गुआवा. स्पेशली जो हरित आंगन वाले हैं वो ये सारे जो फ्रूट्स है या सारे प्लांट्स है वो लगा सकते हैं अपने एरियाज को डेजिग्नेट करके. एंड उसमें से पपाया एक है जो
आपका 13-14 मंथ क्रॉप है, फिर उसका रीप्लांटेशन करना होता है, बट बाकी सारे जो है वो लॉन्ग टर्म हॉर्टिकल्चर क्रॉप है। अगर आपने पेड़ लगाया और वो उसने प्रोडक्शन देना शुरू किया तो कम से कम 13-15 साल तक आपको वो हर साल अपने हिसाब से वो हार्वेस्ट देता रहेगा। सो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो दिस वर द जो हमने जो लगाए हैं, हमारा जो एक्सपीरियंस है वो मैंने आपको दिखाया कि दिस आर द ऑप्शंस दैट आर अवेलेबल फॉर यू, और वो ऑप्शंस आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं वो आपको आगे की ट्रेनिंग में आपको बताया जाएगा। उसके अलावा एक ये चीज है, क्योंकि हम सस्टेनेबिलिटी है क्रीडा का, ब्रह्मा कुमारी इसका हमारा जो इंटेंशन है दैट इज मोर टुवर्ड्स सस्टेनेबिलिटी। तो सस्टेनेबिलिटी में हमने पहले से कैसे जो वेस्ट चीजें थी घर की उसको हमने कैसे बेस्ट यूज किया है, मैंने और मेरे वाइफ ने, वो हम यहाँ पे मैं दिखाना चाहूंगा। द फर्स्ट इज, जैसा आप देख रहे हैं वो जो वेस्ट ग्लासेस होते हैं, अमूल के दही के ग्लासेस हो गया, पेपर कप्स हो गए, उसको हमने कोकोपीट डाल के उसमें वाटरमेलन है, ककड़ी है, जो सीड जर्मिनेशन के लिए जो यूज करना होता था वो हमने यूज किया है। सेकंड इज वेस्ट पेपर, जैसा आप देख सकते हो ये मुझे अभी भी याद है, हमने कुछ जोमेटो से कुछ फूड आइटम मंगाया था तो इस पेपर में रैप होके आया था, तो उसमें भी मेरे वाइफ ने वो भिंडी जो आपको जर्मिनेटेड दिख रहा है वो भिंडी है, फिर वो हम जो मेन जो ग्रो बैग होगी उसमें वो डाल के उसको हमने सीजर से काट दिया, तो बिना प्लांट का रूट्स को डिस्टर्ब किए बहुत ही अच्छे से ट्रांसप्लांटेशन हो गया। थर्ड जो इमेज आप देख रहे हैं बॉटम लेफ्ट में, दैट इज ऑफ किचन गार्डन का जो किचन वेस्ट है उसका हम कैसे उसमें से फर्टिलाइजर बना सकते हैं, बहुत ही ईजी वे में, बहुत ही ड्रेजरी फ्री हैसल फ्री वे में हम कैसे उसका फर्टिलाइजर बना सकते हैं, उसका अभी हम वीडियो देखेंगे। सो दैट इज दैट पिक्चर कि ड्राई वेस्ट और वेट वेस्ट को मिक्स करके हम कैसे उसका फर्टिलाइजर बनाते हैं और वापस हमारे किचन गार्डन में डालते हैं। एंड द लास्ट पिक्चर इज ऑफ एक हमने स्पेशल एक एंजाइम बनाया है विच वी यूज एज सॉर्ट ऑफ अ पेस्टिसाइड या फॉर डिसीज कंट्रोल टू द प्लांट्स, जिसमें हम लेमन डालते हैं, पानी डालते हैं और थोड़ा सा गुड डालते हैं, एंड विद इन 30 डेज वो एक ऐसा बहुत ही अच्छा एक सॉल्यूशन बन जाता है विच इज एक्चुअली अ सॉर्ट ऑफ अ डिसीज रिपेलेंट या पेस्ट रिपेलेंट, अगर उसकी लेयर हम स्प्रेइंग में बना दे तो। सो एक स्प्रे में 1/10 ये एंजाइम लेना है, बाकी पानी लेना, और अगर प्लांट्स में स्प्रे कर दे तो बहुत ही डिसीज फ्री रहते हैं प्लांट्स। इसके अलावा हम उससे हाउस होल्ड वर्क्स भी कर सकते हैं, अगर उसको पोछा लगाना है उसमें भी यूज कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी स्मेल आती है इसकी। सो दिस इज स्मॉल एग्जाम्पल कि हम बेस्ट में से हमने वेस्ट में से हमने कैसे बेस्ट उसका यूज किया। एंड नाउ वी विल स्विच टू द वीडियो कि हमने कंपोस्टिंग कैसे किया, एंड इट विल गिव अ लिटिल टूर ऑफ आवर किचन गार्डन, एंड देन आई विल कम बैक फॉर जस्ट 1 मिनट टू कंक्लूड माय प्रेजेंटेशन। सो विवेक भाई, कैन वी जस्ट जंप टू द वीडियो? नमस्कार, ओम शांति। जो पौष्टिक योगिक होम गार्डन की जो यहाँ पे वेब सीरीज वेबिनार चल रहे हैं उसी की श्रेणी में हम जो भी ये टॉपिक को कवर करेंगे वो है कंपोस्टिंग का। कंपोस्टिंग किस चीज़ का? जो रोज़मर्रा की सब्जियाँ हम यूज़ करते हैं हमारे किचन में, उसका जितना भी वेस्ट निकलता है उसका हम कैसे बहुत ही पौष्टिक कंपोस्ट हमारे खुद के किचन गार्डन के लिए बना सकते हैं, उस चीज़ को हम अभी कवर करेंगे। पर कंपोस्टिंग वाले टॉपिक में जाने से पहले हम एक चीज़ जो प्रैक्टिकल डिफिकल्टी हम खुद फेस कर रहे हैं हमारे किचन गार्डन को बड़ा करने में इस लॉकडाउन के अंदर स्पेशली, उसको हमने कैसे ओवरकम किया उस बारे में थोड़ा। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे घर में बहुत सारी चीज़ों के बीच होते हैं, खड़े धना जो होते हैं, धनिया उनसे उगा सकते हैं घर में, हमारे पास मेथी के बीज होते हैं, अगर हम वो मिट्टी में लगाते हैं तो उससे हमें मेथी मिल सकती है। वैसे ही बाजार से लाई हुई कुछ सब्जियां, मान लीजिए वाटरमेलन हुआ, मस्क मेलन हुआ, खरबूजा जो हम बोलते हैं, ककड़ी हुआ, इनके जो बीज होते हैं वो भी हम मिट्टी में लगा के उससे हम अपना किचन गार्डन शुरू कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे मस्क मेलन के सीड्स सुखा के धूप में रख लिए हैं और उनसे ये खरबूजे के सैपलिंग्स तैयार करे हैं। जब ये थोड़े बड़े हो जाएंगे साइज में तो इनको बड़े मटके में ट्रांसप्लांट करके हम खरबूजे के पौधे तैयार करेंगे। तो ये लॉकडाउन में जब हमें सीड्स नहीं मिलते, हम बाजार में जा ही नहीं सकते, ना ही दुकानों में दुकानें खुले होती है, हम अभी ऑरेंज जोन में हैं और ऑरेंज जोन में एक्चुअली सीड्स की दुकानें खुल रही है पर वहाँ पे सीड्स अभी एक्चुअली ट्रांसपोर्टेशन की कमी की वजह से पहुँचे नहीं है। तो ये जो प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज है उसको हम बाजार में से जो भी ग्रीन चिली लाते हैं या बैंगन लाते हैं तो सीड्स अलग करके, थोड़ी सी सीड्स अलग करके सुखा के उसके हम सैपलिंग्स तैयार कर सकते हैं। अभी हम बात करेंगे पौधों में न्यूट्रिएंट्स के बारे में, तो उसके लिए हम तैयार कर रहे हैं घर में ही कंपोस्ट। जैसे कि आपने सुना होगा कि हम पौधों में खाद डालते हैं जिनसे उनको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, वैसे ही वर्मी कंपोस्ट एक होता है, शायद अभी सब जगह वो अवेलेबल नहीं होगा, इसलिए हम घर में ही खाद बनाएंगे। खाद का क्यों इतना महत्व है? खाद का महत्व इसलिए है
जैसे हमारा शरीर चलने के लिए भी हमें पोषक तत्व चाहिए। हमारे शरीर में मेन पोषक तत्व की जो ज़रूरियात होती है वो है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स। वैसे ही कोई भी एक पौधा हो, उसके शारीरिक पौधे के शारीरिक तत्वों में आता है नाइट्रोजन, फॉस्फरस और पोटेशियम। तो हम जो भी सब्जियां बाज़ार से ख़रीद के लाते हैं, वो किसान ने जहाँ पे भी उसको उगाई होगी वहाँ पे बहुत सारा अच्छा खाद इस्तेमाल करके नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम वो पौधे ने अपने अंदर लिया होगा उस ज़मीन में से, और उसके जो भी छिलके हैं, जो भी किचन वेस्ट है, उसमें ये सारे तत्व अभी भरपूर भरे हुए हैं। तो उसको अगर हम कंपोस्ट के अंदर डालते हैं, कंपोस्टिंग उसी का करते हैं, तो हमारे कंपोस्ट में भी ये सारे न्यूट्रिशन जो है वो बहुत ही अच्छी मात्रा में होंगे, और हमें बाहर से कोई न्यूट्रिशन डालना नहीं पड़ेगा कंपोस्ट के अंदर। सो एक बहुत ही अच्छी इकोसिस्टम हम एक बहुत ही अच्छी इकोसिस्टम को हम एक पुश देंगे, जिसमें हम किचन वेस्ट को हम खाद बना रहे हैं, उसी खाद से हम वापस किचन गार्डन बना रहे हैं, उसी से सब्जियां ले रहे हैं, और उसी को फिर से हम खाद बना रहे हैं। तो एक सेल्फ सस्टेनेबल हम एनवायरमेंट फ्रेंडली इकोसिस्टम बना देंगे जी। तो अभी हम देखते हैं कि इस कंपोस्ट को हम तैयार कैसे करें, जो खाद का अभी महत्व हमने जाना कि इतना महत्वपूर्ण है हमारे सिस्टम के लिए और प्लांट्स के लिए, अब वैसे ही हम उसको तैयार कैसे करें। तो सबसे पहले उसके लिए हमें कुछ सामान चाहिए होगा, जिसमें या तो आप मटका ले लीजिए, नहीं हो मटका घर में तो कोई बात नहीं, प्लास्टिक का बकेट या प्लास्टिक डस्टबिन जो आपके पास स्पेयर में हो आप वो ले लीजिए। उसमें मटके में आपको कुछ छेद करने होंगे, कुछ होल्स बनाने होंगे, जो आप स्क्रू पैचकस की मदद से बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे तो थोड़ी थोड़ी दूरी पे होल्स किए गए हैं। इस मटके को देखिए तो यहाँ पे भी काफ़ी होल्स किए गए हैं, इसके नीचे भी एक होल किया गया है बीच में। ये होल करने का मुख्य कारण ये है कि इसमें जो हवा है वो हवा का आना जाना बना रहे। ऊपर से हम मटके को ढक के रखेंगे लेकिन होल्स के थ्रू हवा आती जाती रहेगी। तो जब हम इस प्रोसेस को शुरू करते हैं तो सबसे पहला स्टेप क्या है, हमें कुछ ड्राई वेस्ट चाहिए होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं ये गार्डन का सूखा कचरा है, तो जैसे मेरे पास ये सूखा कचरा गार्डन से अवेलेबल है, बहुत जगह नहीं ड्राई वेस्ट होता है गार्डन का, उस केस में आप कोकोपीट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नारियल का बुरादा होता है और बाज़ार में या ऑनलाइन इजीली मिल जाता है, पर क्योंकि अभी लॉकडाउन है तो शायद ये अवेलेबल ना हो। अगर आप घर में अगर आप बाहर से नारियल लाते हैं तो उसका भी आप चूरा करके इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये तो भी अवेलेबल ना हो तो जैसे न्यूज़पेपर डाल सकते हैं, कार्डबोर्ड जो गत्ता बोलते हैं, कार्टन के कार्टन्स होते हैं, आप उसको भी डाल सकते हैं। तो जो भी आप इसमें अपना किचन का वेस्ट डालेंगे, तो हमें पता है किचन वेस्ट काफ़ी गीला होता है, तो ये सूखा कचरा इसमें डालने से वो पानी मॉइस्चर जो है इसको एब्जॉर्ब कर लेगा। तो जो हमारा गार्डन वेस्ट का काम था वो ये कार्डबोर्ड बॉक्स या कोकोपीट भी कर सकता है। तो हमारा फर्स्ट प्रोसेस ये रहेगा, जो भी हमारा मक्का है उसमें हम फर्स्ट गार्डन वेस्ट से लेयरिंग करेंगे, नीचे की पूरी लेयर हम गार्डन वेस्ट से बना देंगे। उसके बाद हम अपना किचन वेस्ट इसमें डालना शुरू करेंगे, एक लेयर किचन वेस्ट की डाली, फिर उसके ऊपर हम थोड़ा गार्डन वेस्ट और ऐड करेंगे। फिर हमने किचन वेस्ट डाला, फिर उसके ऊपर गार्डन वेस्ट ऐड किया। जब मैं यही प्रोसेस चलता रहेगा जब तक आपका मटका पूरा नहीं भर जाता है। हर 5 से 6 दिन में आप एक लकड़ी की मदद से आप इस पूरे मिक्सचर को हिला सकते हैं, और हर हफ्ते आप 1 चम्मच दही या बटर मिल्क इसमें ऐड कर सकते हैं। दही और बटर मिल्क ऐड करने से क्या होगा, इसमें एंजाइम्स ऐड हो जाएंगे और ये पूरा नेचुरल प्रोसेस को स्पीड अप कर देंगे। तो आप जो किचन वेस्ट इसमें डाल रहे हो उसमें न्यूट्रिएंट्स हैं, उनका डिकम्पोजिशन शुरू हो जाएगा, गार्डन वेस्ट के साथ मिक्स होकर वो बहुत अच्छी खाद तैयार हो जाएगी। उसी खाद को आप अपने पौधों में डाल सकते हैं और उसका उपयोग कर सकते हैं। तो इससे आपके 2 फायदे हुए, पहला तो घर के बाहर आपका कोई कचरा नहीं गया, आपने घर में ही पूरा वेस्ट का उपयोग कर लिया। दूसरी चीज़, जो खाद तैयार हुई है वो आपके प्लांट्स के लिए बहुत ही अच्छी है और बहुत ही न्यूट्रिएंट से भरी है। तो ये पूरे प्रोसेस से हमारा कंपोस्ट तैयार होता है और अब आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपने किचन गार्डन में। इस खाद की खासियत ये है कि आपको एक्सटर्नल कोई भी एजेंट इसमें नहीं डालना है। जैसे एक खाद बहुत ही फेमस है वो है वर्मी कंपोस्ट।
पर वो केचुए से वो खाद बनती है, केचुए उसके अंदर होना बहुत ज़रूरी है। पर इस पूरे जो प्रोसेस है उसमें अंदर की ही जो बैक्टीरियाज है, ऐसे बहुत सारे बैक्टीरियाज बनते हैं जो धीरे धीरे डिकम्पोज करने लगते हैं किचन वेस्ट को और ड्राई वेस्ट को, और साथ में एक बहुत ही बढ़िया खाद बना देते हैं। तो हमें ये नहीं सोचना है कि ऊपर से हमें एक्सटर्नल कुछ भी चीज़ अंदर डालनी है या नहीं। सेकेंडली, इसके अंदर भले वो आप एक फ्लैट में रहते हो या एक बंद एनवायरनमेंट में रहते हो, पर किचन वेस्ट को ऐसे इकट्ठा करने से, उसको ऊपर रखने से, इसमें कोई भी गंदी स्मेल नहीं आएगी, ऑर्डरलेस आपका बहुत ही अच्छा कंपोस्ट बनेगा। हमने कभी भी बुरे बास की, हमने कभी भी कोई भी डिफ़िकल्टी हमने इसमें फेस नहीं करी है, क्योंकि जब वेट वेस्ट और ड्राई वेस्ट मिल जाता है और बैक्टीरियाज काम करना शुरू कर देते हैं तो ऑर्डरलेस पूरा ये खाद बन जाता है। थर्ड पॉइंट ये है कि ये जो पूरा मटका अभी ये भरा हुआ है हमारे किचन वेस्ट से, और वो तकरीबन एक महीने का हमारा, दो लोगों का जो भी सब्जी बनती है जितना भी आता है, तो ये किचन वेस्ट ये पूरा एक महीने का इसके अंदर भरा हुआ है। तो ये तकरीबन 10-15 दिन में ये आधे से ज़्यादा भर गया था, बट धीरे धीरे जब डिकम्पोज होना शुरू हुआ तो उसका जो अंदर का क्वांटिटी वो धीरे धीरे घटता गया, और हम उसके ऊपर और चीज़ सारी डालने लगे, हम डाल सके उसके ऊपर चीज़ें। तो ये एक मटका जो है वो आराम से एक महीने तक आपका उसके ऊपर भरने में काम लगेगा। इसलिए हमने दो मटके रखे हैं कि जब तक एक मटका हमारा भर रहा है तब तक हमारा दूसरा मटका जो है वो धीरे धीरे डिकम्पोज होना शुरू हो गया है, और जब इसकी ये फुल हो जाएगा तब ये खाद हम उसको निकाल देंगे उसमें से खाद, और वो किचन में हम स्प्रेड कर देंगे, और फिर इसको हम वापस भरना शुरू करेंगे। अभी ये वीडियो शूट करने से 2 दिन पहले हमने ये जो मटका है वो खाली किया था, तो उसकी वजह से अभी ये मटका खाली है। पर आप अंदर का आप देख सकते हैं, कैमरामैन अगर दिखाए तो आप देख सकते हैं कि भले वो किचन वेस्ट था पर बहुत ही बुरबुरा ये जो है खाद बन गया था इसके अंदर, जो आप देख सकते हैं एकदम कंपोस्ट जैसा ही खाद, पाउडर जैसा, बिल्कुल भी ऑर्डरलेस, इसमें से कुछ भी गंदी स्मेल या कुछ भी नहीं आ रहा है, और ये जो है बहुत ही पौष्टिक खाद जो है वो तैयार हो गया है। इसमें बस कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने होंगे, काफ़ी कुछ टेक्निकल नहीं है, जैसे कि बताया कि इसमें बिल्कुल स्मेल नहीं आती है, तो उसके लिए आपको जितना आप इसमें सूखा कचरा, मतलब गीला कचरा डालें, किचन वेस्ट डालें, उस हिसाब से आपको इसमें ड्राई वेस्ट ऐड करते रहना होगा। दूसरा पॉइंट, ये नीचे आपको ऐसा सेटअप करके एक कंटेनर रखना होगा, भले प्लास्टिक का रखिए थोड़ा पानी डाल के, उसमें इसमें से कुछ एक ब्लैक कलर लीचेड बोलते हैं, ये भी हमारे प्लांट्स के लिए एज अ फर्टिलाइज़र यू काम करता है, इसको पानी में मिला के हम प्लांट्स में डाल सकते हैं। अगर ऐसा सेटअप आपके पास नहीं, आप ऐसा नहीं रख सकते तो कोई बात नहीं, बस इतनी बात का ध्यान रखिए कि मटके को बहुत गीला ना होने दें अंदर, उसमें ड्राई वेस्ट की क्वांटिटी आप ज़्यादा बढ़ा दीजिए, तो अगर ड्राई वेस्ट ज़्यादा होगा तो वो पूरा मॉइस्चर अंदर ही सोख लेगा और ऐसा कुछ लिक्विड नहीं निकलेगा। तीसरी बात, अगर कंटेंट आपका लिक्विड कंटेंट ज़्यादा है तो स्मेल आ सकती है, इसलिए ड्राई वेस्ट को आप डालते रहिए, हर 3-4 दिन में आप चेक करिए और उस हिसाब से आप अपना ड्राई वेस्ट ऐड करिए। इतने कुछ पॉइंट्स हैं जो मेन है, और जो कंपोस्ट जब एक बार मटका फुल हो जाता है तो आपको उसमें और कचरा ऐड नहीं करना है, और एक महीने के लिए 30-45 डेज के लिए आपको अपना मटका साइड में रख देना है, और उस दौरान आप इसमें कुछ भी नया कचरा ऐड ना करें। जैसे कि बताया, नए मटके में आप अपना कचरा, नया कचरा ऐड करते जाएं, okay. फिर इसको भी भरने में कुछ एक महीना लगेगा, उस दौरान इस मटके का कचरा और डिकम्पोज होके खाद के रूप में तैयार हो जाएगा। ओके, सो मेजर पॉइंट्स यहाँ पे कवर हो गए हैं। आगे आपको जो मेजर दूसरी जो ट्रेनिंग आएगी, दिस वाज जस्ट फॉर द ओरिएंटेशन कि हम कैसे, हमारा जो किचन गार्डन है वो हम पूरा अरेंज किया है, हम कैसे उसको कंडक्ट करते हैं सारी एक्टिविटीज। एंड जाते जाते जस्ट बिफोर द कंक्लूजन एक फाइनल बात कि यहाँ पे हम जो हमारे पूरे कल्चर में बहुत ही पुरानी कहावत है कि जैसा अन्न वैसा मन, तो ये अन्न पे भी ये बात लागू होती कि जैसा मन वैसा अन्न, आप कैसे उसको कल्टिवेशन कर रहे हैं, तब आपके थॉट्स क्या है, तब आपकी फीलिंग्स क्या है, उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम आज के एग्रीकल्चर की बात करें, तो जब भी कोई पेस्ट आता है, कुछ भी अनहोनी होती है, तो सबसे पहले किसान को यही ख्याल आता है कि मुझे लॉस होगा, सो मुझे ये पेस्ट या कोई भी डिसीज को कंट्रोल करने के लिए उसको मार देना चाहिए, तो वो हिंसा के थॉट्स डाल रहे हैं। अगर कोई बाहर से कोई एनिमल अगर इन्वेड कर जाए फार्म पे, तो हिंसा के थॉट्स डाल रहे हैं कि मुझे उसको रोकना है। सो ये चीज हमें हमारे प्लांट्स के साथ नहीं करनी है, उनको भी हमारे वाइब्रेशन हमें देने हैं, प्रेम की
फीलिंग देनी है, सद्भावना की फीलिंग देनी है, और उसके लिए मेडिटेशन इज द बेस्ट ऑप्शन। तो ये जो आगे की जो सीरीज होगी उसमें संडे सैटरडे को और संडे को स्पेशल 6:30 से 8:30 तक और संडे को सुबह 8 से 10 तक बहुत ही वो आपको टाइम कन्वे कर दिया जाएगा ये योगिक गुरु वाटिका की, जिसमें हम मेडिटेशन का कैसे प्रयोग कर सकते हैं हमारे किचन गार्डन पे फॉर द बेस्ट रिजल्ट्स, वो आपको उसमें बताया जाएगा। एंड थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द व्यूअर्स फॉर स्टार्टिंग देयर ओन हरितांगन या गुरु वाटिका। थैंक यू, थैंक यू महर्षि जी, आपने हमें बहुत ही प्रोत्साहित किया और जैसे भाभी जी ने कहा मन हो ही गया है कि मैं जाके अपने घर के मसाले के डब्बे से कुछ चीजें लूं और अपना गार्डन शुरू कर दूं। एंड आपने जो हमें कंपोस्टिंग की ट्रेनिंग ही दे दी यहाँ पे, तो ये हमारा उत्साह क्रीड़ा के साथ ये अगली ट्रेनिंग के लिए बहुत ही बना रहेगा। अब मैं आमंत्रित यहाँ करती हूँ हमारे नेक्स्ट स्पीकर जिग्नेश भाई पटेल को। वेलकम जिग्नेश भाई पटेल, ओवर टू यू। नमस्कार, नमस्कार साथी मित्रों, आज के विश्व पर्यावरण दिवस के हिसाब से आप मेरी तरफ से सभी साथी मित्रों को शुभकामनाएं। आज जिस टॉपिक पे हम बातचीत कर रहे हैं वो किचन गार्डन। हेलो, हाँ आपका आपका आवाज आ रहा है मुझे जिग्नेश जी। आ जा, ओके। तो किचन गार्डन के बारे में आज हम बात कर रहे हैं, तो किचन गार्डन के बारे में महर्षि भाई ने अच्छी बात की और साथ साथ ही उन्होंने जो प्रैक्टिकल दिखाया वो बहुत अच्छा रहा। उसके बारे में हम थोड़ा स्टार्टिंग में बात करते हैं, तो किचन गार्डन जो आज जरूरत क्यों हो रही है उसकी जो बात करते हैं, तो जब अभी जो लॉकडाउन चल रहा है उसके हिसाब से सभी को सब्जी लेने के लिए जो दिक्कत आ रही है तो उसका सॉल्यूशन एक किचन गार्डन है। तो किचन गार्डन को हम गृह वाटिका भी कहते हैं। किचन गार्डन गृह वाटिका सब्जियों को उगाने का कार्य प्राचीन काल से चल रहा है, आज से नहीं, प्राचीन काल से। जब हमारे बुजुर्गों और जो हमारे परदादा दादा थे वो भी किचन गार्डन करते थे, तो उनको उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि परिवार को साल भर तक का साल भर पूरी ताजी और ताजी सब्जियां मिल सके। उसके अलावा सब्जियों, फूल, फल और औषधि प्लांट्स भी उगाया जा सकता है। उसी के कारण उसे हम परिवार आधारित रसोई उद्यान या किचन गार्डन या गृह वाटिका कहते हैं। उस प्रकार ही किचन गार्डन में सब्जियों को उगाने का आर्थिक लाभ न होकर परिवार के लिए पोषण युक्त परिवार को पोषण युक्त बनाने का मुख्य उद्देश्य है, ताकि हम परिवार को सुरक्षित रह सके। तो उसके नेक्स्ट स्लाइड पे। हेलो, किचन गार्डन के जो बेनिफिट्स की बात करते हैं हम, तो घर के आसपास के जो हवाएं है, घर के आसपास के जो खुली जगह पड़ी हुई जगह है जिसका हम अच्छे से सदुपयोग करके उसको सुंदर और स्वच्छ बना के उसमें अपना अपने जरूरत के हिसाब से और अपने चॉइस के हिसाब से सब्जियों को उगा सकते हैं, और घर के वपराश में लिए गया पानी को अच्छे से उपयोग में ले सकते हैं, और हमारी जो फैमिली है, परिवार है, उसके चॉइस के हिसाब के मनपसंद फ्रेश दवाई मुक्त सब्जियों को हम उगा के उसका यूज कर सकते हैं। तो उससे और एक और फायदे की बात करते हैं, तो हम किचन गार्डन से हमारे जो शारीरिक कसरत मिल सकती है और हमें अपना स्वास्थ्य तंदुरुस्त रख सकते हैं। नेक्स्ट, आजकल जो हम सिटी में रहते हैं तो बच्चे को प्लांट्स के फ्लावर्स वगैरह हम जो है बुक्स में उसके पिक्चर्स दिखा के आइडेंटिफाई करना सिखा सकते हैं, तो उसका बेनिफिट ये है कि हम घर पे जो किचन गार्डन लगाएंगे तो
सभी प्लांट्स को हम लाइवली अपने बच्चे को अपने उनको अच्छे से सिखा सकते हैं और आइडेंटिफिकेशन करवा सकते हैं। और दूसरी बात करते हैं तो किचन गार्डन से हम अपना जो आर्थिक बेनिफिट्स ले सकते हैं कि हम जो सब्जी के लिए और सालाना भर सब्जी वगैरह जो लेने के लिए जो पैसे वेस्ट करते हैं वो हम बचा सकते हैं उससे हिसाब से। और हमें जो जरूरी है साला भर फ्रेश तंदुरुस्त साग भाजी अपने पूरे साल ले सकते हैं। और दूसरी बात ये कि हम किचन गार्डन में हम जो अपने जिस सिटी में रहते हैं वही सिटी में अपना किचन गार्डन बनाए या टेरेस गार्डन या बालकनी में बनाए तो उससे हम अपना जो टाइम है वो अच्छी से उसमें स्पेंड कर सकते हैं और अपने आप को तंदुरुस्त स्वच्छ बना सकते हैं और पूरे घर को स्वच्छ बना सकते हैं। और किचन गार्डन में से अभी जो मैडम ने एक लाइव वीडियो में दिखाया कि किचन गार्डन के जो वेस्ट है उससे हम अपना घर के वेजिटेबल वेस्ट और अदर वेस्ट में से हम फर्टिलाइजर भी बना सकते हैं और उसको यूज करके हम पूरा ऑर्गेनिक तरह से किचन गार्डन का तैयार करके और उसमें से सब्जियां फल फूल ले सकते हैं और पूरा परिवार को उसको लाभ हो सकता है। नेक्स्ट। दूसरा उसके महत्वपूर्ण जो टॉपिक है उसमें कि किचन गार्डन कैसे तैयार करना है उसकी आयोजन करते समय क्या क्या ध्यान रखना है तो किस मुद्दे को हमको अच्छे से निभाना है। तो किचन गार्डन करने के लिए हमें जो घर के आसपास से नजदीक की जो हमारी जगह है खुला यार्ड हो या बालकनी या टेरेस या खिड़कियां तो उसके हिसाब से हमें किचन गार्डन का आयोजन करना चाहिए और अपने पसंद की परिवार के जो चॉइस है उसके हिसाब से उसका सब्जियां और फल फूल का हमको उगाना चाहिए ताकि हम उसको यूज कर सकते हैं। और किचन गार्डन के लिए महत्वपूर्ण एक मेन चीज है कि जो भी चीज में हम जो भी जगह पे हम किचन गार्डन बनाते हैं तो वहां पे पूरी तरह से सनलाइट आनी चाहिए ताकि हम तो जो भी प्लांट लगाते हैं तो उनको अच्छे से वो ग्रोथ और डेवलप कर सकते हैं। दूसरी बात की किचन गार्डन के लिए हमें ऋतु और सीजन के हिसाब से सब्जियों का उगाना चाहिए और उसका चयन करना चाहिए ताकि हम उसी सीजन में उसी का यूज करके अच्छे से लाभ ले सके। दूसरी बात की किचन गार्डन के लिए हमारे यहाँ पे तीन सीजन चलती है तो तीन सीजन के हिसाब से हम लोगों को उसका प्लानिंग करना चाहिए और उसके हिसाब के हमके वो जो भी सीजन में जो भी मंथ है उसी मंथ में उसको प्लांटिंग करना चाहिए ताकि हम जो उस सीजन में वो उसका फल यानी कि सब्जियों को अपने किचन के लिए यूज कर सकते और अच्छे से ले सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। और नेक्स्ट जो हमें अच्छे से मैंने पहले बोला कि सूर्य प्रकाश होना चाहिए ताकि हम अच्छे से उसका वेजिटेबल का ग्रोथ कर सकते हैं। उसके हिसाब से अलावा कि जो हमारे किचन में यूज किया जाता है वो वाटर जो वेस्ट वाटर है या बचा हुआ वाटर है तो उसको हमें क्या करना चाहिए कि एक टंकी में स्टोरेज करके उसको जब भी जरूरत पड़े प्लांट को देने के लिए तो उसी टाइम पे हमें उसको प्लांट को दे सकते हैं और ताकि हम वो पानी को भी अच्छे से यूज कर सकते हैं। उसमें एक पानी की बात आई तो उसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें जो साबुन केमिकल युक्त जो पानी है वो हमें किचन गार्डन में नहीं यूज करना चाहिए। जो हम कपड़े धोते हैं या वॉशिंग मशीन में से जो पानी निकलता है वो हमें किचन गार्डन में नहीं लेना चाहिए क्योंकि उसमें जो केमिकल आता है वो हमारे प्लांट्स और सॉइल को बहुत ही हानिकारक हो सकता है और इससे हम हमारी जो किचन गार्डन में जो हमारी मेहनत की से जो बनाया है वो विफल हो सकता है। और हमें जो जब पानी डाल किचन गार्डन में पानी डालते हैं या पॉट में भी हम सब्जी उगाते हैं तो अच्छे से उसका
ड्रेनेज का भी व्यवस्था करनी चाहिए कि जैसे पोर्ट में डालते हैं तो हम पोर्ट में एक पोर्ट के नीचे के भाग में छेद रखना चाहिए ताकि जो प्लांट को ज्यादा पानी की जरूरत ना हो तो पानी वहां से निकल जाए। और मैंने इसमें एक ही कि प्लांट्स को पानी की नहीं ज्यादा पर उसको हवा भेज की जरूरत रहती हो, तो उस हिसाब से हमें पानी को निकालने की व्यवस्था भी करनी चाहिए ताकि हम अच्छे से उसको उसके जरूरत के हिसाब से वो प्लांट पानी ले सके। दूसरी बात कि किचन गार्डन में हम बालकनी, टेरेस, खिड़की, पॉट ज्यादा सभी को यूज कर सकते हो, तो इसके हिसाब से हमें जो उसमें सब्जियों का अलग अलग प्रकार है जैसे कि बेल वाली क्रीपर वेजिटेबल्स है जो बेले वाले साग भाजी है तो उसको हम अगासी पे खिड़की से और टेरेस पे चढ़ा के उसका बनाना चाहिए और उसका ट्रेलिस मंडप भी बना के हम उसको रख सकते हैं ताकि हम उसे अच्छे से ऊपर लगा के उसका फल ले सकते हैं। नेक्स्ट जो है तो घर किचन गार्डन में जो शेड एरिया है उस शेड एरिया में भी हमको ऐसी सब्जियां डालनी चाहिए ताकि शेड वाली सब्जियां डालनी चाहिए जैसे कि मेथी, धनिया, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो है पालक और ऐसे सब्जियों को हमको डालना चाहिए। नेक्स्ट ये है जो एक स्लाइड है उसमें जो हमारे तीनों सीजन है उसके हिसाब से मंथ वाइज प्लानिंग का मैंने एक डेमोस्ट्रेशन देने की कोशिश की है कि उसमें ऋतु के हिसाब से हमें किचन गार्डन का आयोजन करना चाहिए और उस ऋतु के हिसाब से सब्जियों को लगाना चाहिए और उसी के हिसाब से रवि सीजन यानी कि विंटर में क्या क्या लगा सकते हैं तो टमाटर, मिर्ची, बैंगन, गोभी, लहसुन, प्याज ऐसे सभी जो वेजिटेबल है वो हम विंटर में सभी वेजिटेबल का हम लाभ ले सकते हैं। और वैसे और नेक्स्ट अभी जो सीजन खत्म हुआ है होने वाला है ऑलमोस्ट खत्म हो गया है वो समर, तो समर में हमें भिंडी, गवार, लौकी, करेला, परवल जैसे जो क्रीपर वेजिटेबल्स है उसको भी हम यूज कर सकते हैं। वैसे और अभी जो नेक्स्ट सीजन अभी जो स्टार्ट होने वाला है वो हमारे लिए अच्छा बहुत ही इम्पोर्टेंट सीजन हो जिसमें हम अभी से प्लानिंग करेंगे तो हम पूरा मानसून सीजन हम उसका यूज करके उसका बेनिफिट ले सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। किचन गार्डन में हम क्या क्या डाल सकते हैं कैसे क्या क्या इम्पोर्टेंस सिस्टम को हमको फॉलो करना चाहिए और किस जगह को हम क्या डाल सकते हैं उसके बारे में हम थोड़ा वार्तालाप करेंगे कि किचन गार्डन में हम गोभी, गिलोड़ी, परवल, गलका, करेला जैसे जो क्रीपर वेजिटेबल्स हैं उनको हमको 3x3 या 3x4.5 फीट के अंदर डिस्टेंस पे उसको हमको दो दो बीज या लगा के उसको उगाना चाहिए और उसको हमको ट्रेलिस यानी कि प्लास्टिक की सूत्री जैसे के सपोर्ट से उसको हमको मंडप जैसा शेप देके उसको लगाना चाहिए ताकि वो अच्छे से सर्वाइव होकर अच्छे से खिल सकते। नेक्स्ट है इसमें है कि अदर जो वेजिटेबल्स है उसके लिए हमें 9x10 अपने एरिया के और अपने जगह के हिसाब से उसके क्यारियाँ बनाने चाहिए और उसमें हमें उसका प्लांटिंग करना चाहिए। और जो बैंगन है, मच्छी है, टमाटर है, कोबीज, फ्लावर जैसी सब्जियां को हमें क्या करना पड़ता है, पहले एक जगह पे उसको उसके पौधे उगाना पड़ता है, उसके बाद वो एक पौधे को 20 या 30 डे के बाद उसको फिर से निकाल के 30x30 या 60x60 के अंतर पे
डिस्टेंस पे उसको फिर से लगा के उसको हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है सब्जियां उनको हमको पहले सीडलिंग ही तैयार करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम उसको अच्छे से यूज कर सकेंगे। और मैंने बोला कि पहले बोला कि शेड वाली जगह वो पे हम मेथी पालक धनिया पत्ते जैसे सब्जियां उगा सकते हैं, और उसका शेड वाली जगहों को भी अच्छे से उपयोग करते हैं। शेड वाली जगहों की बात करते हैं तो हमारे घर में जो अभी महर्षि भाई ने बोला कि लॉन्ग टर्म फ्रूट प्लांट जैसे कि लेमन लेमन मैंगो वैसे जो शेड वाले ट्री है उनको हम उत्तर या साउथ या नॉर्थ डायरेक्शन में ही डालना चाहिए, ताकि उसी के शेड के नीचे ही हम मेथी धनिया पालक जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल को हम उगा सकते हैं। और जो बीट रूट प्याज लहसुन बटाटा यानी कि आलू वगैरह को हम जो क्यारियां बनाते हैं उसके जो साइड के पारियां होते हैं उस पे उगाना चाहिए, ताकि हम अच्छे से उसको नीचे मिट्टी में अच्छे से तैयार होकर हमें मिल सके। और किचन गार्डन में दो तीन चीज ऐसी ट्री है जो हमें हर रोज जरूरत रहती है, उसमें एक है कि कड़ी पत्ता मीठे लीमड़ो बोलते हैं हमारे यहाँ गुजराती में, कड़ी पत्ता को हम फ्रेश यूज करें तो उसकी फ्रेग्रेंस और उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो हमें मिल सकती है, इसलिए हमें वो। और एक ड्रम स्टिक का ट्री जो उसका वेजिट लीफ लीफ है लीफ ग्रीन लीफ उसको हम उसका जो पकौड़ा भी बना भजिया पकौड़ा में भी यूज कर सकते हैं, और डायरेक्ट उसका जो सब्जी बना के भी यूज कर सकते हैं। तो ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण प्लांट्स है जो हमारे घर में रखना चाहिए, ताकि हम उसे अच्छे से उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। मैंने अभी बोला कि जो सीडलिंग्स तैयार करके हम कैसे उसको डिस्टेंस कितना रखना चाहिए, और जो क्रीपर वेजिटेबल्स है उनका डिस्टेंस क्या रखना चाहिए, तो उसके लिए हमें मिर्ची का जो है जो खुले यार्ड में यानी कि हमारे आंगन का जो स्पेस है उसमें जो हम जब प्लांटिंग करते हैं तो इसके जो मैंने अभी दिखाया है उसके हिसाब से प्लांट्स को प्लांटिंग करना चाहिए। और जब चिली का जो प्लांटिंग करते हैं तो एक जगह पे दो चिली के प्लांट डाल लें, ताकि जब चिली में एक उसका जो सर्वाइव ना हो भी हो तो दूसरी वहाँ पे सर्वाइव हो सकती है। और उसी हिसाब से अगर हम ये ग्रो बैग या हमारे पोर्ट्स में या कंटेनर में भी उसको उगा सकते हैं, तो एक 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 या सिंगल प्लांट्स भी उगा सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। और अभी जो नेक्स्ट है जो पॉइंट है कि किचन गार्डन करने के लिए जब हम अपने घर के आसपास की जो खुली जमीन में जो किचन गार्डन करेंगे तो हमारे के लिए क्या क्या जरूरत रहेगी औजार की टूल्स की, तो उसकी एक लिस्ट है कि कोदाली है, पावड़ा, खुरपी, प्लास्टिक पाइप, पानी देने के लिए एक कंटेनर आता है वो, स्प्रेयर को ले लिए हम स्प्रेयर को हम जब लिक्विड फर्टिलाइजर डायरेक्ट स्प्रे करना है या इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड को जब जरूरत पड़े हमें प्लांट्स पे डालना हो तो स्प्रेयर और पंप का भी यूज कर सकते हैं। जो ये हमें गमला वगैरह जो है खुरपी उसका हम हमारे साथ ये किचन गार्डन के साथ ये रखना जरूरत है। नेक्स्ट प्लीज। अब जो किचन गार्डन तैयार कर दिया तो उसमें किचन गार्डन एक बार तैयार तो होगा तो उसमें हमें एक इम्पोर्टेंट चीज ध्यान में रखना है कि उसका पाक संरक्षण यानी कि उसका कैसे हम उसको बचाए और उसको प्लांट्स को कैसे अच्छे से यूज में रखे और उसका बेनिफिट ले सके, तो उसके लिए हमें क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए कि जो भी किचन गार्डन में हमें प्लांट्स लगा तो उनको उसके जरूरत के हिसाब से पानी देना चाहिए, जरूरत के हिसाब से पानी
देंगे और उसके हिसाब से ही फर्टिलाइजर, जरूरत के हिसाब से फर्टिलाइजर देना जाए। जब हम मिट्टी तैयार करेंगे या पोट में मिट्टी बनाएंगे तभी को थोड़ा एनिमल का गोबर, सड़ा हुआ गोबर यूज करते हैं, वर्मी कंपोस्ट यूज कर सकते हैं, और नीम और कैस्टर का केक जो आता है, कैस्टर केक वो भी यूज कर सकते हैं, उसको अच्छे से यूज मिट्टी में और वर्मी कंपोस्ट में मिक्स करके हमें यूज करना चाहिए ताकि अच्छे से हमें हम उसमें प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं। उसी हिसाब से जो जैविक फर्टिलाइजर यानी कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को हमें ज़्यादा प्राधान्य देना चाहिए ताकि हम अच्छे से ऑर्गेनिक और स्वादिष्ट वेजिटेबल उगा सकें और उसका उसके जो बेनिफिट ले सकें। तो उसके लिए हमें बायो फर्टिलाइजर को यूज़ करना चाहिए। जो बायो फर्टिलाइजर हो हैं वो आज कई संस्थाओं में मिल सकते हैं और हम घर पे भी तैयार कर सकते हैं, पर घर पे ना तैयार करते हुए ये इजीली हमें कहीं से भी यूनिवर्सिटी या संस्थाओं या फार्मर्स से यहाँ से मिल सकते हैं। और नेक्स्ट हमें जो एक ऐसी जब तैयार करते हैं किचन गार्डन घर के आसपास की जगह में, तो उसमें एक दिक्कत ये हो रही थी कि जो भी फर्टिलाइजर यूज करते हैं तो उसको हम पहले मिट्टी में मिक्स करके बाद में प्लांटिंग करना चाहिए। और ऐसी थोड़ी बहुत वेजिटेबल प्लांट्स है, फॉरेस्ट स्पीसीज के प्लांट्स है जिसका लीफ का हम यूज करके हम उसका अर्क लिक्विड अर्क बना के उसको जो दवाई की तरह से और इंसेक्ट के पेस्ट में भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि सीताफल का जो लीफ है वो ऐसा लीफ है इसमें उसको हम क्रश करके जो उसका लिक्विड बनाएंगे ना, तो वो अच्छे से उस लिक्विड बना के उसमें थोड़ा हम वॉशिंग मशीन में जो साबुन पाउडर यूज करते हैं उसका थोड़ा बहुत एक चपटी डाल के उसको जो स्प्रे करेंगे ना, तो कोई भी जीवा तो उस पर नहीं आएगी और इंसेक्ट नहीं आएगा। सीताफल का लीफ वो कोई एनिमल भी नहीं खाता, उसके फ्रूट हम खाते हैं पर उसका जो लीफ है कोई एनिमल नहीं खाता। उसमें जो ऐसा केमिकल्स प्रॉपर्टी है जो जीवा इंसेक्ट और पेस्ट को कंट्रोल करने में बहुत ही काम करता है। और उसी हिसाब से बोगनवेलिया, फुदीना धतूरा, उसका लीफ भी को लीफ का भी हम अर्थ बना सकते हैं। और नेक्स्ट जो है तो नीम का, नीम के पत्तों का और उसके जो सीड्स बीज है होते हैं नीम के, उसका भी हम अर्थ बना के उस पर स्प्रे करके उसको जीवात मुक्त यानी कि इंसेक्ट पेस्ट से मुक्त बनाकर अच्छे से उगा सकते हैं। और थैंक यू जिग्नेश भाई, थैंक यू सो मच, आपने हमें बहुत सारा इंफॉर्मेशन यहाँ पे शेयर किया। स्पेशली पसंद आया सबको आपका जो चक्र था, फसल चक्र, कौन सी सीजन में कौन सा हमें पाक लेना है यानी कौन से फ्रूट वेजिटेबल्स डालना है, वो सबको बहुत ही पसंद आया। और हम ये चाहते हैं कि आगे हम जाके डिटेल वाली ट्रेनिंग लेंगे। थैंक यू सो मच जिग्नेश भाई। और अभी हमारे साथ जो अगले हमारे स्पीकर हैं, एक तो वो बम्बई से हैं, तो लेकिन हर शहर के लिए इनकी ये इच्छा है, ना ही कि घर घर में, पर इनका स्पेशलिटी है कि ऑफिस एरियाज में भी किस तरह से अच्छे झाड़ पौधे लगाए जा सके, और जो माइक्रो ग्रीन्स वगैरह हैं वो जो है वो दीवार पे भी कैसे लगा सके। तो आइए हम हमारे अगले जो स्पीकर है व्यक्ता को आमंत्रित करते हैं, कुमारपाल शाह जी, प्लीज वेलकम। थैंक यू मीराबेन, हेलो सभी लोगों को, और थैंक यू क्रीडा टीम कि आज मुझे उन्होंने चांस दिया इस वेबिनार में पार्ट लेने का। अर्बन फार्मिंग जो मेरा प्रेजेंटेशन का विषय है, कैन वी हैव द स्लाइड प्लीज नेक्स्ट। आज शहरों में ये टेरेसेस पे, अपने बैल्कनी पे जो भी हम वेजिटेबल्स ग्रो करें,
और हम उसे कंज्यूम करें, उसी को अर्बन फार्मिंग कहते हैं। अपना नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। पूरी दुनिया में ये काफी एक पॉपुलर कॉन्सेप्ट हो रहा है, और अगर हम देखें यहाँ पे ये एक्चुअल इमेजेस हैं न्यूयॉर्क, जापान, सिंगापुर में, जो अर्बन फार्मिंग बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। इनफैक्ट जापान में ये एक कम्युनिटी एक्टिविटी के हिसाब से फेमस हो रहा है, जहाँ पे म्यूनिसिपैलिटी हर एक एरिया में बिल्डिंग्स को नॉमिनेट एक करते हैं और उन्हें अलग अलग प्रकार की सब्जियों को ग्रो करने का बोलते हैं, और अगर वो अपने टारगेट्स यानी कि इनफ यील्ड करते हैं तो उन्हें टैक्सेस में भी वो लोग थोड़ी बहुत कंसेशन देते हैं, और ये जो भी उनका ग्रोथ होता है, जो भी उनका यील्ड होता है, वो आजू बाजू की बिल्डिंग्स और आजू बाजू के लोकेलिटी में वो लोग बेचते हैं, और उसी हिसाब से ऑर्गेनिक फूड वो लोग खाते हैं। नॉर्मली हमारे मार्केट में जो ऑर्गेनिक फूड मिलता है वो हमें मालूम नहीं होता है कि क्या रियली ऑर्गेनिक है, उन्हें केमिकल्स यूज किए गए हैं कि नहीं किए गए हैं, और हम उन्हें ऑर्गेनिक फूड के हिसाब से खरीदते हैं। बट अगर ये हमारे हाथों से अगर किया गया हो तो वी विल बी 100% कॉन्फिडेंट कि ये ऑर्गेनिक है। नेक्स्ट प्लीज। बेनिफिट्स ऑफ अर्बन फार्मिंग, जो सबसे बड़ा है, जो टॉक्सिक केमिकल्स यूज होते हैं, इसके कारण हमारे जो बच्चे होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, उन्हें एलर्जीज, उन्हें रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स जो होते हैं, वो एक तो जो फूड खाते हैं उसके कारण, और जो प्रदूषित एयर ब्रीद करते हैं, हवा, उसके कारण ये होता है। अगर हम ग्रीनरी बढ़ाएं, अगर हम किचन गार्डनिंग या कोई भी टाइप का प्लांटिंग करें, उससे ऑक्सीजन ज़्यादा होता है और एयर पोल्यूशन कम होता है। तो हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जितना भी हमारे से होए उतने हमें ग्रीनरी, अर्बन फार्मिंग करना है। हम जो फूड खाते हैं उसमें जो फार्मर होते हैं, वो फार्मर्स को और कोई चारा नहीं होता है मगर उन्हें केमिकल फर्टिलाइजर और केमिकल इंसेक्टिसाइड यूज करने पड़ते हैं, क्योंकि उन्हें वो चीज़ बेचनी होती है, वो बेच के उन लोगों को अपनी यील्ड बढ़ानी होती है और वो चीज़ उन्हें फटाफट बेचनी होती है। और अगर हम वो ही चीज़ हमारे खुद से करें तो हम ऑर्गेनिक जो चीज़ें होती हैं जिसका रिजल्ट भले स्लो आता है दवाइयों का ऑर्गेनिक, मगर वो चीज़ हम लोग यूज़ करें और उससे नॉन टॉक्सिक खाना हम लोग बना सकते हैं। दूसरा बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट है कि भाई हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है, हमारे बच्चे हैं, इन्हें हम एक एक्सपोजर देंगे, उन्हें एक एजुकेशन मिलेगा कि भाई कैसे ये चीज़ें ग्रो होती हैं, कैसे उनके किचन में सब्जियां आती हैं, तो उन्हें एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग आती है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। और अगर ये एक्टिविटी हम पूरी फैमिली के साथ करें तो एक स्ट्रेस रिडक्शन जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आजकल के वातावरण में, वो होता है। नेक्स्ट प्लीज। तो अब मैं आगे आपको थोड़े थोड़े फोटोज और स्लाइड्स दिखाऊंगा जिसमें सिटीज में किस हिसाब से कौन सी जगहों पे अर्बन फार्मिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। यहाँ पे आपने देखा है तो जो स्टैंड अलोन बंगलोज होते हैं, जो रो हाउसेज होते हैं, उसके बैकयार्ड में आपके एग्जिस्टिंग गार्डन के साथ या फिर सिर्फ इंडिविजुअल किचन गार्डन पैचेस बना सकते हैं और उसमें अलग अलग तरीके के आप सब्जियां, लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। जो बैल्कनीज होती हैं, टेरेसेस होते हैं, रूफ टॉप्स होते हैं, वहां पे आप ये कर सकते हैं। अक्सर मेरा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बॉम्बे में रन करता हूँ, वहां पे हमें क्वेश्चन आता है कि अगर हम रूफ टॉप पे करेंगे तो फिर हमें लीकेज का प्रॉब्लम होगा। तो उसके लिए काफ़ी सारे वाटरप्रूफिंग टेक्निक्स अवेलेबल हैं। ड्रेन सेल्स जो बोलते हैं, आजकल नई टेक्निक है, ड्रेन सेल्स और जियो फैब्रिक्स, उससे ड्रेनेज लेयर्स कर सकते हैं और उससे आपको लीकेज का प्रॉब्लम नहीं आता है। इनफैक्ट हम लोगों ने बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, अंबानीज रेसिडेंट्स, आनंद महिंद्रा रेसिडेंट्स, ये सारों के घर पे ऑर्गेनिक फार्म्स बनाए हुए हैं जहाँ पे उनकी
जो भी रिक्वायरमेंट होती है उनकी एनुअल उनकी पूरी प्लानिंग की हुई है और एनुअली उनको जितनी सब्जियां लगती हैं सारी की सारी हम लोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि जगह कम पड़ती है, मगर काफ़ी सारे लीफी ग्रीन्स वो वहीं पे ग्रो होते हैं और वहीं पे हार्वेस्ट होके वहीं पे कंज्यूम होते हैं। नेक्स्ट प्लीज। सोसाइटीज की जो कॉमन स्पेसेस होती हैं और बॉम्बे में जो आरजी के प्लॉट होते हैं रिक्रिएशनल गार्डन्स, वहां पे भी अब म्यूनिसिपैलिटी अलाउ करती है कि आप किचन गार्डनिंग कर सकते हैं, आपको परमिशन अप्रूवल्स लेने होते हैं, मगर इवेंचुअली लोग वहाँ पे आ सकते हैं, साथ में कम्युनिटी एक्टिविटी के हिसाब से आ सकते हैं, वहाँ पे अपने वीकेंड्स जैसे बच्चे फुटबॉल क्रिकेट खेलते हैं ऐसे थोड़ा बहुत टाइम आके वहाँ पे किचन गार्डनिंग करें और अपने खुद के वहाँ पे वेजिटेबल्स ग्रो करके कंज्यूम कर सकते हैं। ये बॉम्बे में हो रहा है अभी काफ़ी सारी जगहों पर। नेक्स्ट प्लीज। अगर समझिए आपके पास जगह का शॉर्टेज है तो आपके जितने भी विंडोज होते हैं बॉक्स ग्रिल होते हैं वहाँ पे आप पॉट्स टैंक हैंग कर सकते हैं या फिर आपकी बैल्कनीज में आप पॉट्स रख सकते हैं और वहाँ पे भी आप ग्रो कर सकते हैं लीफी ग्रीन्स। हमारे बम्बई में जो मेजॉरिटी ऑफ दी लीफी ग्रीन्स आते हैं वो आपने कभी ट्रेन से ट्रैवल करते हुए देखा होगा कि वो ट्रेल की पटरी के बाजू में ग्रो किए होते हैं। वहाँ पे कैसे टाइप का पानी कैसे टाइप के हाइजीन लेवल्स होते हैं वो बहुत ही क्वेश्चनेबल है। तो अगर हम हमारे खुद के लीफी ग्रीन्स ग्रो करें तो उससे वी विल बी कॉन्फिडेंट कि भाई हम क्या कंज्यूम कर रहे हैं। नेक्स्ट प्लीज। बैल्कनीज और रेसिडेंसेज में जहाँ पे स्पेस कंस्ट्रेंट्स होती हैं वहाँ पे ये स्टैकेबल पॉट्स आते हैं जो वर्टिकल फार्मिंग के लिए यूज होते हैं। इससे आपकी एक नॉर्मल कोई भी दीवार हो वहाँ पे आप कम से कम 200 से 300 पॉट्स तक आप वहाँ पे लगा सकते हैं। जैसे कि अगर आपके पास में 8 फुट हाइट की वॉल और 3 फुट विथ की वॉल हो वहाँ पे आप इनफ अलग अलग लेयर्स में अगर आप लगाएं तो आपके जो मेथी है जो कोरिएंडर है आपको जो लगता है वो अलग अलग लेयर्स में आप लगा सकते हैं और अलग अलग टाइम पे हार्वेस्ट करके आपका पूरे महीने का आपको यील्ड मिल सकता है वहाँ पे। ये काफ़ी पॉपुलर हो रहा है साउथ बॉम्बे में, काफ़ी सारी सोसाइटीज काफ़ी सारे रेसिडेंसेस ये इस्तेमाल कर रहे हैं। इनफैक्ट काफ़ी सारे कॉरपोरेट्स ये कॉन्सेप्ट को अभी एक्सेप्ट कर रहे हैं और उनके जो टेरेसेस होते हैं उनके जो भी कॉमन एरियाज होते हैं वहाँ पे ये लगाते हैं, पैरापेट वॉल को लगाते हैं ये, और वहाँ पे जो भी यील्ड मिलता है वो उनके जो कॉमन किचन्स होते हैं वहां पे ये कंज्यूम हो रहा है। नेक्स्ट प्लीज। हाइड्रोपोनिक फार्मिंग भी एक कॉन्सेप्ट है जो सिटीज में अभी पॉपुलर हो रहा है। इसमें आप कोई भी प्रकार का सॉइल मीडियम नहीं होता है, यानी कि आपको ना ही सॉइल कोकोपीट फार्मयार्ड मैन्योर काउडंग कुछ भी नहीं यूज करना होता है। आप ये स्टेकेबल होता है तो कम स्पेस में ज्यादा लेयर्स में आप प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं, आपके काफी सारे माइक्रो ग्रीन्स ग्रो कर सकते हैं, लेट्यूस ग्रो कर सकते हैं और उसको पानी में ही पूरे न्यूट्रिएंट्स जाते हैं। और बॉम्बे जैसे सिटी में अपनी जो कोथमीर जो हर रोज अपने फैमिलीज यूज करते हैं वो आप ग्रो सकते हैं। आई एम श्योर काफी सारी हाउसवाइफ्स ये देख के खुश होंगी कि उनको फ्रेश अच्छी कोथमीर मिलेगी इससे। नेक्स्ट प्लीज। काफी हाई राइज बिल्डिंग्स होती हैं वहां पे रेफ्यूज फ्लोर्स होते हैं तो हमें परमिशन लेनी होती है पहले बिफोर डूइंग एनी फॉर्म ऑफ प्लांटिंग ऑन अ रेफ्यूज फ्लोर। मगर वहां पे सस्पेंडेड हैंगिंग बास्केट्स और सस्पेंडेड प्लांटर्स में आप ये लीफी वेजिटेबल्स और दूसरे वेजिटेबल्स भी ग्रो कर सकते हैं। इसके लिए कभी कभी लाइट्स इनफ नहीं होती हैं तो स्पेसिफिक ग्रो लाइट्स भी अवेलेबल होती हैं जिससे आपके प्लांट को जो एक्चुअल सनलाइट की जरूरत होती है वो जो नहीं मिलती है 3.5-4 घंटे, मगर वो ग्रो लाइट्स द्वारा आप वो दे सकते हैं और वो ग्रो लाइट्स से आपके वेजिटेबल्स अच्छे ग्रो होते हैं। नेक्स्ट प्लीज। ये आप देखेंगे तो काफी सारी बिल्डिंग्स हैं अराउंड द वर्ल्ड, ये अलग अलग सिस्टम्स हैं जो अर्बन फार्मिंग में यूज हो रही हैं। और नीचे एक जो फोटो है वो एक इटालियन रेस्टोरेंट है, वहाँ पे जो हर्ब्स होते हैं वहाँ पे जो भी आपके खाने के लिए जो
वेजिटेबल्स लगते हैं वो हार्वेस्ट होते हैं, जैसे कि बेजिल हो गया, ऑरिगेनो हो गया, और इमीजिएटली फ्रॉम फार्म टू प्लेट का जो कॉन्सेप्ट है वहाँ पे, अभी बॉम्बे में भी ये कॉन्सेप्ट पॉपुलर हो रहा है और ये हाई एंड रेस्टोरेंट्स में हमें वी आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन 2-3 प्रोजेक्ट्स जहाँ पे ये इम्प्लीमेंट होने वाला है। नेक्स्ट प्लीज। ये सारे आप जो देख रहे हैं ये एक्चुअल हमारे क्लाइंट्स के यहाँ पे जो हम लोगों ने ग्रो किए हुए हैं वेजिटेबल्स हैं उसके एक्चुअल फोटोज हैं। तो आप देखेंगे कि विदाउट यूजिंग एनी केमिकल फर्टिलाइजर इंसेक्टिसाइड्स वी आर गेटिंग गुड क्वालिटी ऑफ वेजिटेबल्स। नेक्स्ट प्लीज। आप इसी हिसाब से ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स भी ग्रो कर सकते हैं, मेथी हो गई, स्पिनिच, शेपू। नेक्स्ट प्लीज। ये जो फ्रूट्स हैं वो भी हमारे ये प्रोजेक्ट्स में किए गए हैं और मैं एक आपसे शेयर करूंगा। ये हमारा एक प्रोजेक्ट था जहाँ पे हमने ये पोमोग्रेनेट लगाया हुआ था और वहाँ पे 2 छोटे बच्चे थे, तो वो प्रैक्टिकली हर टाइम मैं वहाँ पे जाता था तो पूछते थे कि अभी कभी पोमोग्रेनेट आएगा, कभी आएगा। और जब भी वो आया फ्रूट तो वो लोग इतने खुश हुए और एवरी टाइम वो फोटोज निकाल के रखते थे और दे वर सो सेटिस्फाइड। तो वो एक खुशी जो मिलती है वो एक अलग ही आनंद होता है। आप कितने भी मार्केट से एक्सपेंसिव एक्सोटिक फ्रूट्स खरीद के लाएंगे मगर ये जो फ्रूट आप ग्रो करेंगे उसका अलग ही आनंद है और बच्चों को तो उसमें बहुत ही मजा आता है। नेक्स्ट प्लीज। अभी ये अलग अलग साइज और शेप के पॉट्स मार्केट में अवेलेबल हैं जिसमें आप किचन गार्डन आपका इमीडिएट चालू कर सकते हैं। बैग्स होती हैं, बायोडिग्रेडेबल पॉट्स भी हैं जो मार्केट में अभी अवेलेबल है। समझिए अभी लॉकडाउन का टाइम है और अगर ये पॉट्स ना अवेलेबल हो तो आप इमीजिएटली आपके पास में फ्रूट्स घर में आते हों उसके प्लास्टिक कंटेनर्स हैं या फिर दही के जो दवे साहब ने दिखाया ऐसे कोई भी कंटेनर्स हैं उसमें आप इमीजिएटली आपका किचन गार्डन एस्टेब्लिश चालू कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। प्लांटिंग मीडिया जो होता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके प्लांट्स को सारे न्यूट्रिएंट तत्व वहीं से मिलते हैं, तो रेड सॉइल, फार्म यार्ड मैन्योर जिसे काउडंग है, वर्मी कंपोस्ट, कोकोपीट। कोकोपीट में न्यूट्रिएंट वैल्यू कम होती है, वो पानी ज़्यादा पकड़ने का काम करते हैं, उससे आपका पानी कंजम्पशन प्लांट का कम हो जाता है, पानी देने की फ्रीक्वेंसी आपकी कम हो जाती है। और किचन वेस्ट वो आप सारा ही कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं। इनफैक्ट आप माइक्रोग्रीन्स ग्रो करने हो तो आप कॉटन लेके कॉटन को गीला करके उसके ऊपर आप मेथी है, आपका धनिया है, राई है, वो आप डाल के उसे आप विंडो के बाजू में रखेंगे तो वो वहाँ पे भी जर्मिनेट होगा। तो आज सभी लोगों ने ये 2 घंटे का वेबिनार किया है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सब एक 5 मिनट आफ्टर द वेबिनार इन्वेस्ट करिए और आज ही, डो नॉट वेट फॉर मेरे को मिट्टी कब मिलेगी या मुझे पॉट्स कब मिलेंगे, आप इमीडिएट आपका किचन गार्डन का एक्सपेरिमेंट आज से चालू कराइए। आपके घर में बच्चे हों तो बच्चों से आज चालू कराइए। नेक्स्ट प्लीज। ये थोड़े बहुत टूल्स हैं जो नॉर्मली आवश्यक होते हैं किचन गार्डन के लिए, बट मैं तो ये कहूँगा कि आपके घर में ऑलरेडी ये टूल्स हाजिर हैं, जैसे कि आपके पास में किचन नाइफ है, किचन स्पून है, फॉर्क है, वो सारा ही कुछ आप किचन गार्डन के लिए यूज़ कर सकते हैं। खुरपी के जगह पे आप फॉर्क यूज़ करें, आपके बड़े चम्मच स्पून यूज़ करें, आप घर में जो बच्चों के सीजर्स होते हैं वो यूज़ करें। तो लेट लॉकडाउन नॉट बी द रीजन टू स्टार्ट योर किचन गार्डन, यू कैन स्टार्ट इमीडिएटली। और मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जितनी भी लेडीज ये देख रही हैं वो हर एक अपने परिवार के लिए ये किचन गार्डन में थोड़ा टाइम स्पेंड करें और अपने हस्बैंड्स को भी साथ में खींचे और उनके पास में भी किचन गार्डनिंग करावत कराएं। नेक्स्ट प्लीज। दीज आर सम नेचुरल मेडिसिन एंड फर्टिलाइजर्स। हम सिटीज में बहुत ही डिस्करेज करते हैं कि आप कोई भी केमिकल इंसेक्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स ना यूज करें और ज़्यादातर के जितनी भी दवाइयाँ सॉरी जितने भी कीड़े लगते हैं जैसे एफिड्स हो गए, मिली बग्स हो गए, माइट्स हो गए, वो सारों को आप ऑर्गेनिक मेडिसिन हैं, नीम बेस्ड
नहीं तो जीवामृत है, उससे आप कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। सो थैंक यू एंड कोई भी क्वेरीज हो तो आप फिलहाल मैसेज कर सकते हैं, नहीं तो हमें info@jkdhortitech.com पे ईमेल द्वारा भेज सकते हैं। थैंक यू मीरा जी। थैंक यू कुमार पाल जी, दैट वाज रियली वंडरफुल। स्पेशली वो जो हैंगिंग का आपने बताया, बास्केट हैंग करके भी मैं लगा सकती हूँ, वो तो बहुत ही बढ़िया था। और पाइप्स वगैरह में भी कितना बढ़िया तरीके से आ गया था मन। और वो जो बैंगन और मिर्च जो दिखाई, ऐसे लगा कि अभी यहीं से लेके अपना खाना हम शुरू करें किचन में बनाने के लिए। व्हाट अ ब्यूटीफुल इनसाइट ऑल ऑफ यू हैव गिवन अस, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग इन। एंड नाउ आई इनवाइट गोविंद जी भाई टू टेक ओवर फॉर द नेक्स्ट प्रोसीडिंग्स। थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन था कुमार पाल जी आपका, और खुशी है जो प्लांट बोने से और जो स्ट्रेस लेस होता है आप लोग को सुनने, और जो आप लोग ने प्रेजेंटेशन किया उससे, आप लोग ने जो प्रेजेंटेशन किया वो काबिले तारीफ है, काफी अच्छा लगा। और मैं आपको खुशी के साथ कहता हूँ कि हमारे एक साथी है नंदू जी, उनको ये सब काफी अच्छा लगा है, तो वो कुछ कहना चाहते हैं। नंदू जी प्लीज आइए। गुड इवनिंग। मैं कीड़ा को इस प्रोजेक्ट के लिए और मुझको इसमें शामिल करने के लिए कीड़ा के सभी पदाधिकारियों को खरे दिल से आभार मानता हूं। आज कीड़ा के सब मेंबर्स की इस प्रोजेक्ट को नेशनल लेवल पे ले जाने की जो इच्छा है, उसमें मैं श्री पूना कच्छी समाज के प्रेसिडेंट और हमारे गांव बाड़ा के अनेक संस्थाओं के ट्रस्टी के नाते अपना सहयोग देने की कोशिश करूंगा। पूना समाज के 500 घरों में हम ये किट देंगे और साथ में गुजराती समाज के लोगों को भी हम इसमें इन्वॉल्व करेंगे। और मैं मेरे गांव बाड़ा तालुको मांडवी कच्छ मेरे सहयोगियों के साथ कुल 400 बच्चों को इन्वॉल्व करके ये प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाऊंगा। ऑलरेडी हमने बहुत सारे ट्रीज वहाँ बच्चों के सहयोग से लगाए हैं, और अभी ये बच्चों के सहयोग से उनकी फैमिली को इन्वॉल्व करके ये प्रोजेक्ट को हम आगे ले जाएंगे। मैं और एक बात बताना चाहता हूँ कि गांव में मेरे साथ मेरे तीन पार्टनरों के मिलके हमारी 300 एकड़ जमीन है। हम एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर का प्रोजेक्ट क्रीड़ा के सहयोग से कर रहे हैं। अगेन आई वॉन्ट टू थैंक क्रीड़ा फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट कि मुझे मेरे बचपन का जो फार्मिंग का सपना पूरा सपना था वो पूरा करने के लिए इन्होंने अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है। धन्यवाद। अरे वाह, देखिए ये खुशी है ना, और जब पवित्रता होती है प्रोजेक्ट में। आवाज आ रहा है सबको? ठीक है। यस 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 हेलो यस यस। जब प्रकल्प में पवित्रता होती है और अच्छे लोग जुड़ते हैं, और दीदी जी का और चंद्रकांत जी जिससे लोगों का आशीर्वाद मिलता है, तो नंदू जी ने काफी अच्छी बात की कि पूना में 500 परिवारों में, गांव में 500 परिवारों में। तो हमारे नाग जी भाई है सामने, देखिए व्हाइट एंड व्हाइट में खड़े है, हम लोग उनको बुला नहीं सकते, मगर उन्होंने अपने पूरे समाज में ये जो प्रकल्प है वो लागू करने का हम लोग से बात कर ली है। और उनकी जो समाजवाड़ियां है वो समाजवाड़ियां वे ये प्रकल्प के लिए इस्तेमाल करने देंगे, और उनका एक फार्म है जो वसई के आजू बाजू, वहां पे 21 जून को हम लोग जाके जो व्यवस्थाएं खड़ी करनी है उसकी हम लोग कार्य आगे बढ़ाएंगे। ये जो वेबिनार आगे बढ़ाते हुए आपके काफी क्वेश्चंस है, वो क्वेश्चंस मैं एक के बाद एक हमारे जो माननीय स्पीकर है उनको पूछूंगा, जो आपको बताएंगे। प्लीज सजेस्ट विच प्लांट टू स्टार्ट विथ, विच आर इजी टू प्लांट सो दैट वी कैन गेट मोर एंड मोर मोटिवेशन। मर्सी जी। हाँ, मैं इसका आंसर दूंगा। जैसे मैंने मेरे प्रेजेंटेशन में बताया था, ग्रीन लीफी वेजिटेबल और माइक्रोग्रीन, जो कुमार भाई ने भी बताया कि माइक्रोग्रीन तो आप अगले वेबिनार खत्म होते अगले 5 मिनट में आप उसका प्लांटेशन कर सकते हैं। आपको और कुछ नहीं करना, बस यूट्यूब पे एक वीडियो देखिए माइक्रोग्रीन्स का, ग्रीन लीफी वेजिटेबल का, आप धनिया
और मेथी तो आज और माइक्रोग्रीन वो आज के आज ही आप कर सकते हैं। इसका जो जर्मिनेशन रेट है बहुत ही अच्छा मिलेगा, आपको सक्सेस रेट भी ज्यादा अच्छा मिलेगा, उससे आपका मोटिवेशन भी बढ़ेगा। सो माइक्रोग्रीन्स और ग्रीन लीफी वेजिटेबल बहुत ही अच्छा। हाउ मच टाइम यू हैव टू कीप द बकेट? That will depend on the humidity. आप कौन सी सीजन में अपना कंपोस्ट बना रहे हैं। जनरली अगर अर्धन पॉट होगा तो 30-40 डेज में हो जाना चाहिए, बट अगर मॉनसून है तो थोड़ा 5-6 दिन वो एक्सटेंड भी हो सकता है, अगर विंटर है तो कम भी हो सकता है। सो हम पैरामीटर लेके चलेंगे 30-40 डेज इन एन अर्धन बकेट या अर्धन यूटेंसिल। मैंगो बॉक्स है वो ग्रास से ड्राइवेस चलता है? मैंगो बॉक्स में जो ग्रास होता है वो ड्राइवेस में आप बताएगी कि आप ये प्रकल्प के साथ हम लोग कैसे जुड़ सकते हैं? देखो दरवाजा इंटरनेट कनेक्शन डाउन किया। हाय गुड इवनिंग सब लोगों को मेरा नमस्ते। हमारे चैट विंडोज में हमने शेयर किया है एक बिटली लिंक, अगर किसी को लिखना है या विवेक भाई अगर आप स्क्रीन पर बिटली लिंक ला सकते हैं तो इसके जरिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। हमने एरिया वाइज ग्रुप्स बनाए हैं, उस पर जुड़ जाइए और उस पर सारे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। इन एडिशन उस पर हम लोग टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करते रहेंगे कि आप अपना होम गार्डन कैसे सक्सेसफुल बना सकते हैं। विवेक जी अगर आप प्लीज स्क्रीन पर वो बिटली लिंक ला सके तो सब लोग नोट कर सकते हैं। गोविंद भाई सॉरी यहां थोड़ा मुझे बैटरी डाउन थी, बस ही बंद थी। थैंक यू सो मच। सो जैसे कि आप देख रहे हैं अभी स्क्रीन पर बिटली लिंक है, उस पर आप जाके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में आज ही ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू सो मच। अमृत भाई हमें कुछ कहना चाहते हैं? अमृत भाई आपने रहने वाला वो श्रेष्ठतम परमेश्वर को मेरे बहुत बहुत सत सत नमस्कार। आज के पर्यावरण के शुभ दिन पर हम एक निर्धार करें, आत्मनिर्भरता का निर्धार। इतनी बड़ी सोच जो नरेंद्र मोदी जी ने दी है तो पहली आत्मनिर्भरता अपने सेहत के लिए क्यों ना सोचा जाए, और अगर ये सेहत के लिए अपने इस सोच में सबसे पहला कदम होगा अपने घर में ऑर्गेनिक सागबाजी जो उगा सकते हैं, शायद बॉक्स ग्रिल में हो, अगर हम शहर में रहते हैं छोटी सी बालकनी में हो, टेरेस पे हो या कंपाउंड वॉल के आसपास हो, और अगर शहर में रहते हो तो अपने शहर के गांव के आंगन में, घर के आंगन में, और इस तरह से एक अच्छा खाना मिले अपने को, और ये ऑर्गेनिक साग भाजी और फल, इसके जरिए हम अपने आप को कोरोना के सामने लड़ पाएंगे, और उसके साथ साथ जो ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा, इम्यूनिटी बढ़ेगी, और जैसा अन्न वैसा मन, तो हम सब इस निर्धार को, इस संकल्प को आगे लेके जाएं और अपने देश को इस उन्नति के साथ में सहयोग दें। हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं, और क्रीड़ा की तरफ से ये एक संकल्प में आप भी जुड़ जाएं, क्रीड़ा का सहयोग हमेशा आपके साथ रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हेमल जी ने, अमृत जी ने अपने दिल की बात कही, और अभी संस्था को इस कार्य के साथ जोड़ने की बात करके आप सबके शुक्रिया अदा करने के लिए मैं श्री धीरज भाई रामजी जी को रिक्वेस्ट करूंगा। आइए प्लीज धीरज भाई। धीरज भाई आपने आपको अनम्यूट करिए आपका साइड से। धीरज भाई अपने आपको अनम्यूट करिए।
धीरज भाई आभार विधि करी धीरज भाई. हेलो. हाँ. यस ऑडिबल नाउ. या यस यस दोस्तों यू आर ऑडिबल. दोस्तों काफी समय व्यतीत हो गया है. बहुत प्यार से और ध्यान से आपने पूरा वेबिनार सुना है. आज के वेबिनार में काफी लोगों का सहयोग रहा है. उनमें से कई लोगों का मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा. सर्वप्रथम ब्रह्मा कुमारी संस्थान के चेयरपर्सन आदरणीय सरला दीदी जी और हमारे आरती ड्रग्स के स्थापक चेयरमैन श्री चंद्रकांत भाई घुगरे जी. दोनों बहुत व्यस्त समय व्यस्त जीवन जी रहे हैं. उनमें से समय निकाल के आज अपने वेबिनार में पधारे. उन दोनों का अंतःपूर्वक आभार मानते हैं. उसके साथ साथ तीनों हमारे जो महर्षि दवे जी कुमारपाल शाह और जिग्नेश पटेल जी जिन्होंने अच्छी तरह अपने हमें समझाया कि ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे कर सकते हैं, उनका भी तहे दिल से हम अभिवादन करते हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं. और हमारे खुद के ही घर के ही लोग का अगर आभार न माने तो एक छोटी सी क्षति रह जाए. तो हमारे सर्वे सर्वा गोविंद जी भाई भानुशाली, अमृत भाई शाह, मीराबेन महेंद्र, त्रिषाबेन और धीरेन नंदू जी का खास आभार मानना चाहूँगा कि जिन्होंने ये प्रकल्प को आगे बढ़ाया है. नागजी भाई रीटा हर हमेशा हमारे साथ रहते हैं और विवेक जी जिन्होंने ये पूरा वेबिनार का टेक्निकल साइड संभाला है, उनका आभार हम मानते हैं. और वापस ऐसे ही वेबिनार हम जब भी आयोजन करें तभी आप सबको आमंत्रित हैं. और आपको कभी भी कुछ तकलीफ है तो हमारी वेबसाइट पर से आप अपने प्रश्न पूछिए, वेबसाइट पर आपका प्रश्न डालिए तो हम उनके कोशिश कर देंगे उनका जवाब देने के लिए. फिर से सबका खूब खूब आभार सर. आज का ये का वेबिनार हम समाप्त करने की घोषणा करते हैं. आभार. भगवान हम सबको समृद्धि. अरे धीरज भाई एक ज मिनिट कुमारपाल भाई ने कहीं कहू छे पोतानी ट्रेनिंग माटे. एक ज मिनिट खाली कुमारपाल भाई एक ट्रेनिंग माटे आप कही दो आपनो मैसेज छे. हाँ जी. तो हम बम्बई में काफी सारी स्कूल्स में ये किचन गार्डनिंग ऑर्गेनिक गार्डनिंग की ट्रेनिंग एक्टिवली कर रहे हैं. और ऐसा किसी को भी कुछ रहे तो यू कैन सेंड अस एन ईमेल एंड वी कैन ऑलवेज वील बी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ इट. और हमारी जो ट्रेनिंग है वो 13 और 14 जून को है. और आप जो व्हाट्सएप से सबजन जुड़ेंगे वहां पे आपको वो ट्रेनिंग की कैसे आप जुड़ सकते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी. सबका शुक्रिया. फिर मिलते रहेंगे ऐसे ही अच्छी बातों के साथ. थैंक यू एवरीवन. एंड अब हमारा ये जो कार्यक्रम है हम लोग समाप्त करते हैं. थैंक यू वेरी मच. नमस्कार.